नहीं नहीं लंच कर लेते हैं। ठीक है तेरी ऑर्डर ठीक आ रही है। बाबा यार ये नहीं करना था ना, क्या नहीं करना था? फिर वही बकचोदी कर दी आपके लिए। मैं स्पेशली माइक लेके आया कि जय बाबा बकचोदी कर देते हैं हर बार, तो इनके लिए भाई थोड़ा सा माइक ऐसा लेके आया है जो थोड़ा सा ऐसे रहे, है ना। लेकिन नहीं नहीं ये कर लो पहले तुम लोग, लेकिन नहीं ठीक है कर लो कर लो। सही है भाई सही है। तो हाय गाइस वेलकम टू ब्राउन पॉडकास्ट एपिसोड 5। Fuck you guys and how are you? Episode 1 देखा आपने what's the point का, and I guess जिस point तक ये release होगा आपने episode 2 भी देख लिया होगा। Yes, so what's up? आज हमारे साथ है जानी वानी हस्तियाँ, सुपरमैन कैंट क्लार्क, चैतन्य व्यास जिन्होंने विक का रोल प्ले किया था। आई एम स्टिल जेलस ऑफ यू ब्रो। हमारे साथ है निखिल जिन्होंने कुणाल का रोल प्ले किया था वेब सीरीज में। ये दिखते छोटे हैं बट ये 28 साल के हैं। हमारे साथ हैं वैशाली शर्मा जिन्होंने बाल कटवा लिए हैं और जय भाई आई अंडरस्टैंड। कौन है ये लोग? आई अंडरस्टैंड। बार बार ये टीवी के लिए काम करते हैं। आई अंडरस्टैंड। कूल। So let's move forward. सबसे पहले तो यार ये जानते हैं कि अपने भाई जो हैं 28 साल के हैं, यार आपके लिए और हमारे लिए लाइफ बड़ी डिफरेंट है, तो बताओ यार क्या क्या डिफरेंस फील करते हो आप इतने बड़े होने के बाद? नहीं ये बार बार पोक क्यों किया जा रहा है 28 साल। शादी हो गई आपकी? बड़ी बड़ी दिली तमन्ना है हमारी आपकी शादी में नाचने का। नचाएंगे। शादी नहीं हुई है, बच्चे हो गए हैं, बस शादी के लिए सोच रहा हूँ कर लूँगा। बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, शादी मेरा शादी का भार संभाल लें। एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में, मतलब यार क्योंकि आपकी शादी की उम्र हो गई है मेरे को लगता है स्ट्रेस बड़ा बढ़ जाता है 28 साल तक। डू यू स्टिल मास्टरबेट? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बट यार अभी तो कल आप मेरे से मांग रहे थे कुछ टेलीग्राम पे। नहीं अब तो चैनल पे आ जाता है, अब कोई टेंशन नहीं है, अब मांगना नहीं पड़ता। आप तो रियल कास्टिंग काउच के बीच में हो। अरे यार हाँ, इट्स फन, पर मतलब अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं अभी, कुछ ऐसा ट्रॉमेटाइजिंग नहीं हो रहा और, तो अभी मेरी सक्सेस स्टोरी नहीं बनेगी कुछ एक दो ऐसा शॉक का इंसिडेंट। आई से आई विल से कास्टिंग काउच इज वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक, और तू मुंबई में बैठा है एंड आई गेस तूने कुछ तो एक्सपीरियंस ऐसा करा होगा व्हिच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो यार। हां काउच पे कास्टिंग, जितना अच्छा ये एक्टर है ना, ही इज जस्ट टू ऑडिशंस अवे फ्रॉम करण जौहर। नहीं बट स्टिल यार आई गेस इसने शायद मेरे को कुछ बताया था शूट पे। कैन यू शेयर समथिंग यार? सो प्राइवेट अबाउट योरसेल्फ। आई विल स्टार्ट अप विद, उनका नाम नहीं ले सकते, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो मैं ये चीज बोल देता हूं ऐसे डेफिनेटली कि थोड़ा बिग डील लगे। पर हां देयर वर अ फ्यू इंसिडेंट्स जहां पर आई वाज एट देयर प्लेस और दे वर गेटिंग अ लिटिल ऐसे कि what do you want? It's just okay. Just, you know, relax. अगर भाई मैं तो relax ही हूँ पर relax. मतलब हाँ. Similar है ऐसे ही। उसके बाद दिक्कत पता है क्या है? ये process पिछले 20 साल से ना change ही नहीं हो रहा। TV खोलता है साथ में कुछ चल रहा होता है और ये यहाँ से slide होना शुरू होता है या फिर mid of thighs. Yeah. मैं ये चीज agree करूँगा, मतलब यही सेम लाइटिंग होती है, यही बैकग्राउंड होता है, यही काउच होता है, एंड देन फिर ये हो जाता है, यही होता है, एंड देन ऐसे ही बंदे होते हैं, एंड देन ये हो जाता है। टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट गाइस, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं कह रहा हूं अगर कास्टिंग काउच हो तब तो चलो ठीक है, तुम्हारे पास यू हैव एन एक्सपीरियंस टू शेयर। जब कास्टिंग काउच होने बंद हो जाती है ना तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरता है कि भैंस की आंख क्यों नहीं हो रहा, मतलब हैव आई स्टार्टेड लुकिंग अ लिटिल। ये ऑप्शन भी गया। बिन देयर डन दैट। अच्छा एक चीज बताओ यार, तुम्हारे लिए मतलब तुमने ही करा है शूट, तो मेरे को मैं था भी नहीं ज्यादा टाइम उधर। आई अंडरस्टैंड। तो तुम्हारे लिए सबसे फन इंसिडेंट क्या था, मतलब इंडिविजुअल फन इंसिडेंट यार? What was the fun incident for you, Nikhil? यार मेरे लिए personally snort करना बहुत fun था,
जो बार बार नाक में वो सब्सटेंस गया था ना, दैट वाज फन. वो एक्चुअल कोकीन था, वो क्या था भाई वो? हाँ, लाइक मिक्स्ड विद ग्लूकोज टू कीप हिम एनर्जेटिक. ग्लूकॉन डी करा दिया तूने? ग्लूकॉन डी चढ़ता है? हाँ, मतलब नशे के साथ साथ जिंदा भी तो रखना था. एक पॉइंट के बाद सब चढ़ता है. सही है. पर देख लो भाई, एनसीबी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुप हूँ. आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल नेम. मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला. बॉम्बे में हो बाबा, किसी को पता नहीं चला किसकी बात कर रहा है तू. किसकी बात कर रहा है किसी को पता नहीं चला. एनीवेज, निखिल भाई, क्या सबसे फन इंसिडेंट रहा आपके लिए? मेरे लिए सबसे फन इंसिडेंट था, थोड़ा देर बाद बताऊंगा यार. पता है इस उम्र में अल्जाइमर्स हो जाता है. या विद टाइम व्हेन यू आर एट 28 दिस इज नॉर्मल यार. दैट्स ओके, कैन हैपन. नहीं नहीं, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया. अरे ओ फक. हां बता भाई. बता भाई. फिर भूल गया, छोड़ो. ठीक है, शालिनी, वो वाला इंसिडेंट बता सकती है शायद तू इनको. क्या? जो तूने प्रैंक किया था हमारे साथ. यार ऐसे मत करो, फिर मुझे काम नहीं मिलेगा बाहर. अरे ये बहुत बड़ी प्रैंकस्टर है. इसको अरे मिल जाएगा, हम ही दे देंगे, कोई नहीं. बता. ये क्या किया तूने? अभी देखो यार, ये मैंने ना एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, कच्चा जो होता है ना ऊपर चढ़ जाता है आपका. तो आप ऐसे करके यूं करो, कच्चा नीचे जाएगा, अंदर ऐसे बैठ जाओ. एवरी विल बी कन्फ्यूज कि क्या करा आपने. वेल, यू हैव डन इट ऑल. बेटर ऑप्शन पहनो ही मत. बट पता है ऐसे पहनना चाहिए, क्योंकि वो जिप होती है ना, तो कभी कभी. पहले क्या होता है, जिप का एक प्रोटेक्टर होता है जीन्स के पीछे लगा होता है, जिसके वजह से वो चीज नहीं हो पाती. अब आजकल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है. अब इनकी फंसती नहीं है, पहले तो यार. ठीक है, ये यस. हाँ, तो मैंने ऐसा कुछ खास प्रैंक नहीं करा था यार. एक्चुअली ना वो बदला था, ये लोग. अरे याद आ गया, याद आ गया, मेरे को याद आ गया. शूट पर हाथी. ठीक है, आप बोल रहे हो, मैं. अच्छा नहीं, बोल ले, बोल. नहीं नहीं, बोल ले, बोल ले. ठीक है. हाँ, तो मैं हमेशा टाइम पर होती थी और ये लोग हमेशा लेट होते थे. और लेट ये नहीं कि चलो 15 मिनट आधे घंटे लेट हो जाए, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे लेट होते थे ये. बताओ बता. ठीक है, तो लाइक मैं हर डेट पर, हर दिन टाइम पर आई हूँ, ऑन टाइम. तो एक दिन मैंने क्या करा, सुबह का शूट था, शायद 8 बजे का कॉल टाइम था. तो मैंने सुबह इनको फ़ोन करके बोल दिया 7 बजे कि मैं नहीं आ पाऊँगी, मुझे पीरियड जा रहे हैं, मुझे क्रैम्स हो रहे, तो मैं नहीं आ पाऊँगी. और भाई हमने इतना गांड का जोर लगा के पूरा स्केड्यूल बदला है कि भाई आज ये शॉट नहीं ले पाएंगे, शालिनी वाले शॉट सारे हटा देते हैं, दूसरे शॉट ऐड करते हैं. और भाई दिमाग का भूसड़ा हो गया मेरा और सैम भाई. जो मैं बताती हूँ, मैंने फ़ोन में बोला, हाँ गौरव, मैं ना आज नहीं आ पाऊँगी, मेरे को पीरियड्स आ गए हैं, क्रैम्स हो रहे हैं, मजा नहीं. गौरव, सेंसिबल गौरव, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं तो रेस्ट कर, चल चल ठीक है. मारा बोला बैच छोड़ के करेंगे. ये मुझे शूट के ज़्यादा बताया. और मेरे डायरेक्टर को भी फ़ोन करके बोल रहे थे कि मैं नहीं आ पाऊँगी. और हमारा डायरेक्टर भी इतना प्यारा आदमी है, उसे भी यही बोला, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं तो रेस्ट कर. और एक्चुअली पता है क्या, जब तुम ये पीरियड्स या क्रैम्स बोलो ना, तो लड़के ज़्यादा बोलते नहीं है. फिर अगर तुम ये बोल दो कि घर में कुछ फंक्शन है ऐसा कुछ, अरे आ जा नहीं शायद नहीं पीरियड्स बोलो. मतलब इस चीज में दो चीजें थी, प्रोडक्शन बचाने के लिए रैपिडो भी तुमने यूज करा, ये भी था इसमें. और साथ साथ केयरिंग नेचर ऑफ गौरव, इसको मैंने सिखाया था कि करा देंगे. मैं बाइकों पे आता जाता था पीछे हांड हांड के, ऐसे दो दो बैग्स पकड़ के. बताओ भाई, मैं पैदल गया हूँ शूट पे, पैदल. द स्ट्रगल इज रियल. प्रोडक्शन का बचाने के, इसका घर ना कॉलेज के सामने था भाई, कर पैदल गया. अद्भुतीय. सो व्हाट, कंटिन्यूइंग हर स्टोरी. जब क्या हुआ, इसने मेरे को बोला कि यार मैं नहीं आ पाऊँगी, ये वो. मैं कार में बैठा, तो वरदान भाई कार चला रहे थे, ड्राइव करके हम पहुँचे वहाँ पे. जैसे ही हम पहुँचे कॉन्फ्रेंस रूम में, ये बैठी हुई अंदर हंस रही है भैंस. और इसने मुझे देखा ही नहीं. मैं देखो बताती हूँ,
तेरे को बोल रही हूँ सॉरी गाइस, मैं आपको बताती हूँ ठीक है मैं इसके सामने आ गई, ये दरवाजे से ऐसे घुसा और मैं इसके सामने आ गई ऐसे, और ये बंदा 3-4 सेकंड के लिए एकदम ऐसे हो गया कि एक्सेप्ट ही कर पा रहा था कि शालिनी है ना, ऐसे देख रहा मुझे। अच्छा तू आ गई ये था इसका रिएक्शन। यस आई वाज अंडर स्ट्रेस आल्सो लाइक ऑल दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेबल टू मी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं तुम क्या बातें कर रहे हो। या आई अंडरस्टैंड। पीरियड से मुझे एक चीज याद आ गई यार, पीरियड से मुझे याद आया, हम अपनी ऑडियंस को टैम्पॉन के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि आई रिसेंटली फाउंड आउट, मुझे नहीं पता था टैम्पॉन क्या होता है, मुझे 6-7 महीने पहले पता लगा है, तो सोशल अवेयरनेस भी हो जाएगी। मतलब इससे पहले तो पैड यूज करता था मोस्टली पैड। या आई थिंक इट्स अ रियली कंफर्टेबल थिंग टू यूज यार, मतलब व्हाट डू यू थिंक जय? लड़की बैठी है, वैलिडेट हो चुका है सब कुछ, ठीक है, लड़की हंस रही है इन जोक्स पे तो तुम कुछ नहीं बोल सकते। एनीवेज मूविंग अहेड, टॉकिंग टू चैतन्या भाई, कैसा लगा भाई? कॉमेंट्स वगैरह पढ़ के एपिसोड 1 के एक बंदी ने कॉमेंट किया था कि वो आपको नंगा देखना चाहती है भाई, कैसा लगा? सुन पहला फर्स्ट थॉट तो बहुत अच्छा था, फर्स्ट थॉट के हिसाब से तो आई वॉज हैप्पी कि भाई इतने सारे 1000 कॉमेंट्स प्लस हो गए ना शायद, तो 999 कमेंट्स पढ़ने के बाद एक कमेंट जो मेरे लिए आया वो पढ़ के मेरे को लगा हाँ मैं भी था इसमें एक, तो नहीं तो कुछ ने कहा, मतलब मेरे फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन दे टेक्स्टेड मी कि यार एपिसोड बहुत बढ़िया था, तू था नहीं पर इसमें, तो मैंने कहा साले तू पूरा देख चुका है? कह रहा मैंने तो पूरा देखा, तू दिखा ही नहीं उसमें, पर अच्छा था, लिखा अच्छा हुआ है, ये गौरव आ रहा है, अच्छा काम कर रहा है। कुछ ने मेरे को इतनी तारीफें वेब सीरीज की कर दी फर्स्ट एपिसोड की, विदाउट सीइंग की एंड तक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं कहा उल्लू के बैठो जाके देखो पहले आधा अधूरा काम करके, पर वो लड़की भाई मैं दिल से प्यार करता हूँ उसको, जिसने भी बोला शर्टलेस देखना है, मैं दिखा दूंगा, आई विल फुलफिल हर विश। देख चुकी होगी I guess देख चुकी होगी सेकंड एपिसोड तक, तो हाँ दिस इज प्रोबेबली रिलीजिंग आफ्टर तुम्हारे कहने पे मैंने ये कमेंट कर तो दिया था बट पैसे चैतन्य भाई पैसे दिए नहीं यार आपने गौरव ओहो ये तो इंग्लिश नहीं दोस्त बहुत सपोर्टिव है हाँ यार अरे इवन आई एम थैंकफुल अभी उन्होंने उतना देखा है तो वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं ओ ये ओ एकदम और आज सेकंड एपिसोड देखे तो क्या होगा कॉलेज देख के और मेरे दोस्त इतने हरामी देख भी नहीं रहे वो प्रमोट करने तो दूर की बात हाँ ठीक है ऐसे कर रहे हैं वो बताओ कुछ ने ना स्क्रीनशॉट शेयर किया था तो उसमें गौरव सब्सक्राइब नहीं था तो ऐसे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा था मैंने कहा भाई जाके पहले सब्सक्राइब कर दे वो मेरे को बोलता रहेगा मैंने स्टोरी तो डाल दी क्या बात है यार मेरे को ये करना था वैसे सीजन 2 फॉर यू ब्रो अरे नाइस सर कॉल मी विक नहीं मैं घर जा के मैंने सब्सक्राइब करवाए हैं भाव ऐसा नहीं है मतलब मैं भी ठीक है भाई कैमियो करके रास्ते में कह रहा कैमियो शालिनी डाइड नैना डाइड यार मैंने खुद के 4 अलग से आईडी बनाई फिर किया है मैंने अगर मेरे 2 सपोर्ट नहीं करते तो मैं कर रही हूं तुझे फेमिनिस्ट इफ यू आर वाचिंग यू शुड सपोर्ट माय गॉड लाइक शी डज मेरे गर्लफ्रेंड इंसिडेंट्स बता सकते हो हां मतलब ये तो इंटरेस्टिंग होने वाला है बता कंटिन्यू भाई चैतन्य मेरे पे फटेगा बिल यहां से वीडियो को स्किप करने वाला भाई तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है वो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है वो मतलब विक की मैं एज विक बात कर रहा हूं भाई मैं कैरेक्टर में हूं हां तो बेसिकली क्या हुआ द गर्ल वाज प्लेइंग साक्षी उसने क्या करा उसका शूट चल रहा है ठीक है लाइक मान लो 5 दिन का शूट है तुम्हारा 4 दिन का शूट हो चुका है 4 दिन का शूट आपका हो चुका है आपके बाल एक सर्टेन कलर के ब्लैक कलर के लास्ट डे ऑफ द शूट है आप अपने बाल ब्लॉन्ड करके आ जाते
सही है यार। अच्छा यार, मैं एक बार शूट पे आया था, मैंने ये चीज नोटिस करी, जब तुम सिर्फ एक शॉट के लिए आते हो ना तो बहुत ज्यादा अच्छा बॉन्ड तुम्हारा होता नहीं है सब लोगों के साथ, क्रू के साथ, कोई तुमको जानता नहीं है। तो मैं एकदम आया भाई सीरियस बन के, एकदम सूट केस लेके अपना आया, अपना शॉट दिया और वापस चला गया। कैसा लगा? बहुत ही मतलब चूतिया सी फीलिंग आई मेरे को यार। गौरव था नहीं उधर, कौन था उधर, सिर्फ चैतन्य था आई थिंक, वो भी इतना अच्छे से जानता नहीं था मुझे, फर्स्ट टाइम ही मिल रहे थे, पहली बार ही मिले थे ना। यार नहीं, वैसे आई एग्री, ये थिएटर वाला वन ऑफ दी हार्डर थिंग्स टू डू, कि आप एकदम से एक चलते सिनेरियो के बीच में एंटर करो, उसके बाद वो कंफर्ट लेवल ड्रॉ करने में इतना टाइम लगता है, और शॉट दिया और उसके बाद जाना ना, वो एनर्जी कैच अप करने में टाइम लगता है, वो टास्क है यार, मुश्किल है वो। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट थी तुम्हारी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था वो मेकअप, मेरा मेकअप करेगी या नहीं करेगी। मेरे को बड़ी अजीब सी वाइब आ रही थी, क्योंकि अगर गौरव होता या निखिल भी होता या कोई बंदा होता तो मैं कहता यार कि ऐसा ऐसा है, मेरे को समझा दो क्या करना है मेरे को। मैं वहां बस बैठा हूँ साइड में, चैतन्य का मेकअप हो रहा है, मैं साइड में जाके बैठ गया उसके। मैंने कहा हाँ भाई शायद आ जाए नंबर। इतने इतने में सैम आता, सैम के साथ भी मेरी इतनी अच्छी वो नहीं है बॉन्डिंग, मेरे को पता नहीं है सैम के बारे में ज्यादा कुछ, तो सैम आता, सैम आके इशारा करता कि यार इसके बाद इसका मेकअप कर दियो, ठीक है। फाइनली एन एक्टर। मैं जब साइड में बैठा हुआ था थोड़ा और इधर हो गया मैं, नाउ गेटिंग सम फन इन मेकअप। मेकअप इज वेरी फन यार, ऑनेस्टली मेकअप मैंने पहली बार करवाया शूट में और लाइक मजा आ जाता है, लाइक इट्स लाइक अ फेस मसाज। सो बेसिकली मतलब मेरा तो मेकअप पूरा हुआ भी नहीं था, प्रतीक्षा इफ यू आर वाचिंग दिस, उसने सिर्फ बाल बनाए थे मेरे हाथों से, नहीं नहीं कंघी का यूज किया, कंघी से बनाए थे, कंघी का यूज करा था भाई। दाढ़ी भी बनाई होगी? दाढ़ी नहीं बनाई भाई, दाढ़ी नहीं बनाई। अच्छा अच्छा ठीक है, बट फेस पे ग्लो तो आ रहा था। तो प्रतीक्षा खुश रखती है भाई, मुझे हद है भाई। हाँ यार सही बात, से कट लगाते हैं हम लोग। लाइक हमको एडिट के टाइम एक पीक चाहिए होती है ऑडियो की, हम जय भाई को बोलते हैं जय भाई कर दो कमाल। क्या क्या क्लैप। ओके अरे यार तो एक बात कर लेते हैं भाई कि बैंकॉक एक्सपीरियंस, ये टीम बनाई कैसे, मतलब धीरे-धीरे कैसे मिले तुम? हां कुणाल बाबा कैसे इंट्रोड्यूस हुए आप हमारी लाइफ में, कैसे आया? डायरेक्टर साहब की बहुत बड़ी देन है, सैम डेनियल साहब, दनियाल साहब, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया गौरव वाले टीवी से, और पहला दिन बड़ा खतरनाक था मेरे लिए। एक सेकंड रुको, थोड़ा कंफर्टेबली बैठ जाओ। कट कर देना पहले दिन, हाफ पैंट दिख रहा है। हाँ पहले दिन जब मैं पहुंचा स्टूडियो पे तो मैं उस दिन यहाँ, हाँ कोलकाता यहाँ पे घर पे एक डिलीवरी आने वाली थी अमेजन की, उसका कॉल कंटिन्यू आ रहा है, सर मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, कहाँ जाना है, एड्रेस का बड़ा पंगा था। उसी वक्त मैं मिलने पहुँचा हूँ, मेरे को थोड़ा सा पंक्चुअलिटी वाली कीड़ा है कि टाइम पे पहुँचना है उसी वक्त को भी, मैं चलो ठीक है हो जाएगा मैं बोल के, तब उसके बाद गेट में एंटर किया, गया अंदर और बाबा टेबल पे बैठे हुए हैं, चोटी वोटी बांध के हाफ पैंट में मस्त एकदम, खाना खाते हुए सैम बोलता है ये है निखिल, तो वाह बोलते हैं अच्छा आप ही हो निखिल, आप ही, तो मैं उस टाइम फिर से वो कॉल आ गया, मैं उठा के जैसे ही बैठो, पहले तो ये बात बोलना चाहूंगा मैं, भाई ने बोला स्टूडियो। ओ ये सैम तो मेरे साथ भी हुआ है, बागवान अपार्टमेंट बोल के स्टूडियो। एनीवेज कंटिन्यू निखिल भाई। हाँ मैं स्टूडियो पहुंचा तो जैसे ही सामने से उधर बाबा कहते हैं अच्छा आप ही हो निखिल, मैं उसी टाइम फिर कॉल आया, मैं उठा के मैं बोला एक मिनट भाई, हाँ और लाइक मतलब मैं फेसियल एक्सप्रेशन देख रहा हूँ, मैं बस इधर बात कर रहा हूँ, दिमाग में चल भी रहा है कि मैंने अपना कटवा लिया है, अब नहीं देने वाला ये लौंडा काम, इसने मुझे बोला है हाय, मैंने रिप्लाई करने की जगह बोला वेट फॉर अ मिनट, बोला अब नहीं मिलने वाला, अब थोड़ी देर में ये कहेगा ओके थैंक यू, बताते हैं आपके लिए अगर कुछ होता है तो, बट लकीली मैं गया कुछ और के लिए था, और कुछ हो कुछ और गया, थैंक्स टू यू बाबा। और तूने बताया था कि यार मतलब रोल किसी और के लिए आया था, ये निखिल ने किसी और के लिए वो करा था ऑडिशन, बट कोई और रोल मिल गया उसको। यस कौन सा रोल था जिसके लिए करा था इसने, इसको एक रोल दे रहे थे हम उसका,
क्या कहते हैं झाड़ू वाले का, पहले झाड़ू वाले का दे रहे थे, फिर इसने झाड़ू अच्छा नहीं लगाया, इसने झाड़ू अच्छा नहीं लगाया, फिर हमने कहा चल ठीक है बर्तन धोने वाले का ले ले, फिर वो भी ये नहीं कर पाया, आई ट्राइड माय बेस्ट, फिर हमने कहा चिल्ला लेता है तू, तू फनी तरीके से चिल्ला लेता है, कहता हाँ चिल्ला के देखा अच्छा चिल्लाया, फिर हमने कहा ठीक है कर ले कुनाल कर ले, सेकंड लीड कर ले ले जा बेटर देन जाए जैसे अच्छा चिल्लाया ना मैं यार देखो ये कंपैरिजन नहीं करने, सबने ऑडिशन भेजे थे बट ऐसे कंपैरिजन नहीं करने, गलत बात है, सबने भेजे थे, आई अंडरस्टैंड, मूविंग ऑन, नहीं गाइस आई वाज बिजी एट दैट टाइम, यार डेट्स वगैरह थी नहीं, हां हां एक मिनट पावा, मेरे को एक बार सच में कंफर्म करना है, वो जो वो था टाइम जब मैं ऐसे ने बोला ना कि हाँ हाँ भाई आप ही हो, मैं कॉल पे था एक मिनट वेट कर, उस टाइम जो फेशियल रिएक्शन था वो सच वाकई वो जो मैं सोचा वही था दिमाग में, यार मुझे याद नहीं है कुछ ऑनेस्टली बताऊँ तो उस टाइम का, इतना मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा था उस टाइम पे, तो मैं जब सो जाता था ना तो मैं पिछले दिन का सब भूल जाता था, हाँ लाइक ये चीज़ मुझे काफ़ी समझ में आई क्योंकि हाँ वो रीसेट हो जाता बिल्कुल, कंसिडरिंग कि एक जब शूट आपका शुरू होता है ना 26 दिन अगर आपके पास है, 26 दिन है तेरे पास बचा लेना अपने शूट को, तो जब आपके पास 26 दिन होते हैं और आप बहुत ज़्यादा ही काम कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा ही एफर्ट मार रहे होते हो ना, तो एक लेवल पे आप कहते हो कि यार ड्रग्स आर ओके, एटलीस्ट दे हेल्प मी वर्क, आई अंडरस्टैंड सच में लाइक आई एम नॉट किडिंग, तो उस पॉइंट पे शूट को खत्म करने के बाद मुझे समझ में आया कि यार इट्स नॉट दैट आई हैव डन ड्रग्स, ओके इफ यू आर वॉचिंग दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस नॉट इन इट बट इफ यू आर वॉचिंग आई एम नॉट डन ड्रग्स, बट ड्रग्स आर आई थिंक वेरी हेल्पफुल, लाइक फिर मुझे उसके बाद समझ में आया कि एक्टिंग इंडस्ट्री में इतना क्यों चलता है, देखो देखो ये स्ट्रेस जो है ना वो बहुत ही गलत लेवल का है यार, बहुत ही गलत लेवल का स्ट्रेस है, आप बहुत कम सो रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करो या ना करो, दैट्स मतलब शायद मैं बहुत गलत बात भी कर सकता हूँ इस बीच में, बट मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक जो पर्सपेक्टिव था ना जो समझ नहीं आता था एक्टिंग इंडस्ट्री का, वो मुझे समझ आने लगा, so by drugs you mean chewing gums and हाँ sugar. sugar is a very great drug good हाँ मुझे इन लोगों का जो बिहेवियर था ना उसको टॉलरेट करने के लिए ड्रग्स की जरूरत पड़ी थी, बट एज अ वुमन मेरे में टॉलरेंस ज्यादा है, तो टॉलरेंस ज्यादा है भाई, ये बंदी सिगरेट पी के गिर गई, फिर इसने ना ऐसे शॉट दिया यूं करके, यूं खड़े होकर शॉट दिया पूरा, सबको लग रहा होगा कि ये स्टाइल में खड़ी है कूल लड़की है, बट असली में ये अपने आप को गिरने से बचा रही है, सिगरेट पी रही थी इसलिए तेरे को मना करा था ना मैंने, ये बता रहा हाँ एनीवेज हाँ बताना क्या हुआ, सिगरेट भाई इस बंदी ने सिगरेट पीने के लिए इतना वो करा ना, सिगरेट ना पीनी पड़े इसको, प्लस तेरे को आदत भी पड़ गई थी सिगरेट की, हाँ भाई बहुत ही भयंकर, लाइक आई वुड से कि एक फुटेज जो आप देखोगे एपिसोड 5 में, उसमें तो यार हर टेक के बीच में एक सिगरेट पी रहा था, आंटी हाँ लिटरली मैं पी रहा था, आई एम नॉट किडिंग, और इस पूरे शूट में आई गेस 250-300 सिगरेट पी ली होंगी मैंने, लेकिन आफ्टर पार्टी के बाद मैंने एक भी नहीं पी, सो आफ्टर पार्टी में एक्चुअली मैं आ गया था इससे मिलने, मैंने इसको कंसल्ट किया था इसने बोला आई अंडरस्टैंड, गलत दिशा में था मैंने बोला यू अंडरस्टैंड अब नहीं पीऊंगा एनीवेज हाँ शाली तू अपना बता रहा वो वाला स्टोरी क्या कहते हैं, क्या गिरने वाला, गिरने वाला तो है ही, वो तो मैंने बता ही दिया वो वाला कि तू कितना अवॉइड करी थी सिगरेट को, तूने कितने वो सिगरेट अवॉइड करने में क्या दिक्कत है बाबा, तूने क्या क्या बहाने मारे वो तो बता दे, बहाने नहीं थे वो जेन्युइन रीजंस थे, घर पे खुद को शीशे में देख के आई अंडरस्टैंड, किसी को अभी रस्ते में समझ रहे हो रस्ते में जा रहा है किसी ने पकड़ के आई अंडरस्टैंड, तब जाके उस दिन वो आई अंडरस्टैंड बोल पाया ठीक से,
लाइक मजाक थोड़ी एक्टिंग भाई, हाँ तो तूने थोड़ी सिगरेट पी ली तो कुछ हो गया, बड़े बात हो गई। मैंने इनको बोला यार हर्बल ले आओ, तो कह रहे नहीं वो बीड़ी जैसी दिखती है। दिखती है बीड़ी जैसी नहीं दिखती, वो गांजे जैसी दिखती है, केस हो जाते हैं हम पे। नहीं तो मतलब मैंने बोला कि क्या जरूरत है, मतलब ऐसे सिगरेट से तुम क्या ही दिखा दोगे ऐसा, मतलब अगर हट सकता है तो हटा दो यार, मतलब अगर बिल्कुल ही नहीं हट सकता तो पीनी पड़ेगी, ठीक है तो पी लेंगे, ऐसा भी कुछ अवॉइड नहीं करा था मैंने। मतलब किसी सपोर्ट में कमेंट आए थे, बोलती थी कि देख लो यार देख लो यार, बस 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 बस। वो वाले कमेंट्स पढ़े थे? कौन से वाले? वो दो लोगों के कमेंट आए थे, इसमें मतलब ये सिगरेट दिखाना जरूरी था क्या? बाकी सारी चीजें ठीक है बट स्मोकिंग ऐसे प्रमोट करना सही नहीं था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट यार तुम लोग यार, सर मिलेगा मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं था ना कि जो नहीं होता है वो हमने दिखाया, वी आर नॉट लाइक प्रमोटिंग कि हाँ भाई हम पी रहे हैं, अब तुम भी कॉलेज स्टूडेंट स्टार्ट कर लो पीना। इट वॉज लाइक ये होता है एक्टर्स फॉर दैट कि जो चीजें होती हैं वो हम दिखाते हैं स्क्रीन पे। हम तो किसी को नहीं दिखाने जा रहे कि मैंने ये हमने किया अब आप करोगे। कोई भी स्टोरी है देख लो, किसी से भी कोई इंस्पायर्ड होती है तो वो जो करके गुजरा है स्क्रीन पे उसी को दिखाया जाता है। तो जो भी देख रहा है इस वीडियो को अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगी, शायद आप कॉलेज में है अभी, आप 21-22 साल के, लेकिन जब आप 28 साल के होंगे 28 इज द नंबर गाइस। When you reach 28 होना बाकी अभी। बुद्धत्व। अच्छा अभी 27.5। अभी 27 हूँ अभी, 28 जून में होगा। इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं यार कि वो जो सीन था ना जहाँ पे विक जो है वो कर नहीं पाता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो मतलब चैतन्य have you been there? नहीं यार मतलब वो that particular scene was totally imaginative. I have nowhere been closer to a similar situation. So who imagined that scene? Is it Gaurav? Yeah, the writer. Are you the one who imagined? Yeah, I totally imagined it. ऐसा नहीं है कि I have been there. हाँ, चैतन्य की स्टोरी सुनते हैं। हाँ, मतलब एक पार्टी में थे ऐसी और हमने कितना मैंने 5-6 पी होंगे, उसके बाद मेरे को याद नहीं, एक आधा और फालतू ऐसे हो गया होगा। उसके बाद आई वॉज विद समवन और वी ट्राइड टू डू द डू, पर उसके बाद मेरे को याद है वो वाला सीन एम्बैरेसिंग हुआ था कि यार ओ अच्छा इट्स आई हैव लॉस्ट द हार्डनेस, चलो ठीक है अभी होगा 5-10 मिनट रुका, फिर वी स्टार्टेड मेकिंग आउट, उसके बाद फिर ऐसा हुआ। तो वो इंस्टेंस से मेरे को इतना फोबिया हो गया, मैंने उसके बाद 2-3 महीने अल्कोहल पिया ही नहीं बिल्कुल, मतलब आई स्टेड अवे फ्रॉम यू नो बियर विस्की वगैरह सब कुछ कंज्यूम नहीं करा मैंने 2-3 महीने, सिर्फ केले खाए मैंने। Now you understand why Ranveer bhaiya never drinks. अच्छा वो he never does. कौन रणवीर भैया कौन? सही है but अरे रणवीर अलावा रणवीर अलावा थे, good friend and a competitor. So मेरे को ये चीज जाननी है मतलब यार कि ये जो सीन था कि वो बंदा कर नहीं पा रहा, तू गांड में घुस जा। हाँ बता बता बता, किसने सोचा था वो सीन? जब मैं बागवान अपार्टमेंट्स में रहा करता था मेरा एक रूममेट था, ठीक है उस टाइम मैं तो सिंगल था, बट मेरा जो रूममेट था वो काफ़ी एक्टिव था सेक्सुअली, बट कभी कभी क्या होता था, कभी कभी उसके रूम से आवाज़ें आती थी, कभी कभी लड़ाई की आवाज़ आती थी, तो वहाँ से मुझे थोड़ा लगा कि जो इंसान बाहर से परफेक्ट दिखता है वो परफेक्ट होता नहीं असल में, तो वहाँ से एज अ राइटर मुझे लगा इंस्पिरेशन मुझे लेनी चाहिए, इनफैक्ट मैंने ली भी, एक सेकंड एपिसोड लिखा था किसी वेब सीरीज का, रिलीज हो चुकी है शायद अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर। एनीवेज व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, हैव यू एवर बीन इन समथिंग लाइक दिस योरसेल्फ? माय रूममेट वाज लाइक टोटली इनटू इट, व्हाट डू यू थिंक बाबा? जैसे क्या ली बताया नहीं, क्या चीज, क्या क्या बात हो रही है भाई? ये बोला मैंने ली भी नहीं, नेवर बीन देयर, डोंट अंडरस्टैंड। You don't understand, but I understand. Being the roommate, I understand. Okay, so moving on. हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली। हाँ। अब मेरे को ये जानना है मतलब जो गर्ली एनवायरनमेंट था शूट के अंदर। कोई एनवायरनमेंट नहीं था ऐसा।
नहीं था वही तो मेरे को ये जानना है कि वो टॉक्सिसिटी कितनी थी लड़कियों को कैसा फील हुआ हाँ लाइक अ गर्ल पर्सपेक्टिव से बता कि जब तू पहली बार आई हाँ दैट वाज लाइक द सुपर क्या बोलू मतलब इन जनरल हाउ आर गर्ल्स फीलिंग इन द एनवायरनमेंट हाँ हाउ लाइक सीरियसली बताओ तो बढ़िया था यार लड़कियों को ना सबसे ज्यादा जो एक टेंशन होती है ना वो होती है बाथरूम की अबे निखिल के बारे में कुछ नहीं बोलना भाई वो ही कौन ये काट दे ठीक है सही से भाई इंसान जाके सुसुपोटी कर सके सब साफ सफाई में बट नहीं फर्स्ट डे पहले जब मुझे ना मैं गौरव को किधर से भी नहीं जानती थी और मुझे इसने बोला कि हम जो फर्स्ट टाइम मिलने वाले थे तो इसे मुझे कॉल पे बोला था कि ऑफिस या आप हमारे ऑफिस आ जी ऑफिस इट्स ऑन द फोर्थ फ्लोर ऑफ अ वेरी रेनाउंड प्लेस इन रोहिणी यू नो रोहिणी वेरी डेवलप्ड थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड विलेजेस है उसके बाद इट्स वेरी डेवलप्ड हां कंटिन्यू जाओ ऊपर वाले कैंसिल कर देते जाने से मना करते हैं काफी डेवलप्ड जाओ ऊपर वाले आने से पहले पूछते हैं सेफ तो है ना मैडम सेफ है ना ऐसा नहीं है कि यहां से सिर्फ किराया नहीं मिलता वहां पे गाड़ी भी नहीं मिलती ले जाओ तो शीशे नीचे नहीं कर सकते गाड़ी चलाते हैं वो किराए का टेंशन नहीं था उनको हां गाड़ी का टेंशन मतलब वो तो तब भी होगा ना जब एसी चल रहा होगा तो वहां तुम्हें एग्जैक्टली जाना पड़ेगा लोकेशन पे जहां से बुक हुआ है थोड़ा पहले से आगे तो कोई और बैठ जाएगी एनीवेज कंटिन्यू ज्यादा चार्ज कर लेंगे तुमसे कंटिन्यू कर सकते हैं एनीवेज देख सकते हैं आप पैट्रियार्की हां एक औरत को बोला नहीं जा रहे थे तो आई वाज नॉट इन द शूट आई डोंट अंडरस्टैंड बट बता 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 अपनी स्टोरी बता जहां तू पहुंची नहीं नहीं ठीक है हां तो मुझे उसने बुलाया और मैं ना उस वक्त कोटला में थी और किसी क्लास के लिए गई हुई थी तो मैंने बोला मैं क्लास के बाद आऊँगी तो 7 बजे तक मैं पहुँची तो मैंने बोला कि मैंने इसे पहले ही पूछ लेते ज़्यादा देर का टाइम तो नहीं है ना क्योंकि इसने बुलाया था रोहिणी हाँ हाँ ठीक है आगे बता ठीक है तो इसने बोला नहीं नहीं बस 1 घंटे का काम होगा ऐसे ऐसे ठीक है भाई अब मैं उतरी समयपुर बादली स्टेशन पर ठीक है जब मैंने अपनी मम्मी को बताया ना कि मम्मी समयपुर बादली जाना है क्या समयपुर बादली जाना है लाइक पता नहीं वो कौन सी जगह है ऐसी एकदम बहुत एकदम सेफ ही माना जाता है उसे लड़कियों के लिए पता नहीं ऐसा कुछ है तो मुझे पूरा डरा दिया गया तो थैंकफुली मेरे पास पेपर स्प्रे था तो मैं गई ठीक है और समयपुर बादली से पहला झूठ इस इंसान ने बोला 5-10 मिनट की दूरी पे यही है बगल में निकलोगे जाए तब चलोगे आ जाएगा भाई रिक्शे से आधा घंटा लगा है मुझे साले 7 बजे में समय पर बादली 7:30 बजे इसके ऑफिस में मतलब मुझे लग रहा था कि ऑफिस होगा अपार्टमेंट में घुसी तो अपार्टमेंट में भी ऑफिस होती तो मुझे लगा ठीक है ऑफिस होगा चली जा रही फिर से बोला 4th फ्लोर पे आ जाओ हाँ तो मैं गई 4th फ्लोर पे भाई घर था और मैं घुसी हूँ इसने दरवाजा खोला है मैं किसी को नहीं जानती इससे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ और मैं अकेली लड़की और उस अनजान जगह पे अनजान घर में और 4 लौंडे तो मेरी तो कंधे वाली गांठ फटी मतलब यार मैं किसी को नहीं जानती मैं अपने आप को कोस रही हूँ मैं क्यों आ गई ऐसा भी नहीं था कि मैंने इसका चैनल देखा था मैं यूट्यूब से कनेक्टेड ही नहीं थी तब तक तो मैं नहीं जानती थी तो मैं गई इसे मुझे बैठाया बोले पानी वानी पूछा फिर क्या कहता है अब एक काम करो अंदर वाले रूम में आ जाओ ये ऐसे बता रही है अरे मतलब वो जो जहाँ मैं बैठी थी ना वहाँ बहुत सारे कीड़े आ रहे थे ऐसे बताना होता है पहले वो बता रही है कि अंदर वाले रूम में तुझे समर ही नहीं मैं बता रही हूँ हाँ ठीक है हाँ तूने बोला अंदर वाले पहले तूने बोला कि कीड़े आ गए थे बेसिकली उस टाइम वो मौसम था जब बारिश होती है ना खत्म तो कीड़े आ जाते लाइट में आपको याद होगा हाँ तो उधर इनको बैठने में कंफर्टेबल नहीं हो रहा था इसलिए मैंने कहा कि आप अंदर आ जाओ अंदर हमने थोड़ा मार रखा था हिटविट तो उधर नहीं आएंगे कीड़े कंटिन्यू
ऐसे बताई जाती है। तो मैं वहाँ उस कीड़ों से हटके दूसरे रूम में गई और वहाँ और बड़े बड़े चार कीड़े बैठे हुए थे। मतलब वहाँ सैम था, हमारा डायरेक्टर कुणाल भाई थे, ये था और कौन था, मोहित था, मोहित मोहित था, ठीक है। और ऐसे बैठे हुए सारे, ठीक है। ये बंदा आया यहाँ, ऐसे सेंसिबल चीज की थी, क्या क्या था तूने बता, तू बता, तू बता, ठीक है। तो मैं बैठी थी ऐसे सोफे पे, यहाँ इसका बेड था, ये गया दीवार से सट के एकदम ऐसे बैठा है जैसे मैं ही कुछ कर दूंगी ऐसे, ऐसे बैठा ऐसे। हाँ जी तो बताइए इस एक चीज के लिए इतना प्रिपेयर इसने करा होगा खुद को, पता है। और मैं ऐसे बैठी थी, मेरे पास ना ओ यही बात था। हाँ, हाँ, फिर ऐसे बैठी हूँ मैं और इसके अंदर मेरा पेपर स्प्रे है, दिखाओ फिर ये डेमो। और मेरा इसमें हाथ है ऐसे और अंदर पेपर स्प्रे पकड़ के बैठी हुई हूँ मैं कि जैसे कोई आए बस तो ऐसे बैठी हुई हूँ, ठीक है। और भाई चार लॉटो के बीच में और कैसे बैठेगा इंसान। और दूसरी चीज जो इसने बोली है, क्या बोला तूने, मैंने चोटी बांध रखी थी। ये ना स्टोरी में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देती है, सीधा वेंचर बोला होगा चोटी खोल दो अभी, ये कॉन्टेक्स्ट नहीं देगी ये। मेरे लिए तूने दिया था कोई कॉन्टेक्स्ट, तूने दिया था मेरे लिए कोई कॉन्टेक्स्ट, बता बता बता। बात है। ज़्यादा टॉक्सिक है यार। This is why I started this topic. I just wanted everyone to know. And he's a really nice guy. मचो तू मत तेरी अब तू अगला पॉडकास्ट काम दे। यार मैं बोल तो रही हूँ सेंसिबल चीज़ की, तूने सेंसिबल बता 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 बता। फिर इसने बोला, मैं से पेपर्स में पकड़ के बैठी थी पीसफुली, ठीक है, डर भी नहीं लग रहा था फिर। तो इसे बोलता है, आप अपने जरा बाल खोल सकती है। मैं थोड़ी ऑफर्ड हो गई और एक अलग से स्ट्रेस किया, मुझे ना पेपर स्प्रे छोड़ना पड़ेगा। ये स्ट्रेस था मुझे बहुत ज्यादा, तो मैंने क्या किया जल्दी से एक सेकंड में खोल गया, ठीक है। फिर कैसे, हाँ ठीक है। बेसिकली हमारी पहली मुलाकात थी, बेसिकली इसके बाल थोड़े ना बहुत छोटे थे, जब इसने फोटो भी भेजी थी ना स्टार्टिंग में, जिस टाइम हमने कास्टिंग कॉल कर रखा था, जब इसने ऑडिशन भेजा था उसके बाद इसने फोटो भेजी थी, इसके बाल बहुत छोटे थे, तो ये लड़की नहीं लग रही थी, बच्ची लग रही थी। तो हमने कहा कि तो हमने कहा कि यार बाल हमें बड़े चाहिए, कॉलेज की लड़की दिखानी है। तो मैं उस टाइम में पास आउट हो चुकी थी। हाँ तो भाई वही था, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था कि इसके बाल इतने छोटे ना हो, है ना, इतने छोटे हुए तो इट विल बी डिफिकल्ट, कम से कम इतने तो हो तो चल जाएगा, तो इतने थे तो इट वर्क्ड। ये और क्या कहते हैं, वहाँ से निकलते निकलते मुझे 8:30 बज गए थे। मूविंग ऑन। और नहीं नहीं ये भी बता दे ना। हाँ बता दे, बता दू। हाँ बता दे, पक्का बता दे यार। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर हर स्टोरी आई वुड लाइक टू मेंशन, ऑल वुमेन आर इंडिपेंडेंट एंड आई सपोर्ट देम, आई सपोर्ट देयर इंडिपेंडेंस, आई थिंक दे कैन गो एनीवेयर एनी टाइम By themselves. Continue. ठीक है। तो अब मैं ये mention करना चाहूँगी कि इसने पहले बोला था कि इसका घर समय पर बादली से 10 मिनट दूर है। ठीक है। फिर इसने बोला था ज़्यादा time नहीं लगेगा, 1 घंटा लगेगा। हाँ। तो मैंने जब ऐसे calculation की तो मुझे लगा ठीक है मैं 8 बजे तक निकल जाऊँगी। ठीक है चलो। मैं कितने बजे निकली वहाँ से, 8:30 बजे। ठीक है, 9 बजने वाले थे लगभग। अब मतलब वो बहुत दूर था यार मेट्रो स्टेशन, तो मुझे इससे इतनी सी एक्सपेक्टेशन थी, वो भी इंसानियत के खातिर जो होती है कि ठीक है हम एक दूसरे को जानते नहीं है ऐसा, ठीक है, लेकिन यार ये मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि मेरी लिटरली गांड फटी हुई थी, सबने ना मेरे से गांड फटी थी बोल बोल कर, ओ समय पर जा रही हो, समय पर बात की जा रही है। और इसने क्या करा, ये गया मेरे साथ नीचे, बाइक पर बैठाया इसे मुझे और इसने कहा छोड़ा मुझे। हाँ यहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगा और वहां से अभी आधा घंटा दूर और मुझे जाना था, तो रिक्शा मिला। हाँ बिल्कुल मिला, लेकिन गांड उतनी फट रही थी क्योंकि उस रिक्शे पे कोई और नहीं बैठा मेरे साथ। तो रिक्शा चला कैसे? मूविंग ऑन, वुमेन आर नॉट सेफ इन इंडिया। It's the problem of India, not you. नहीं मतलब तुम अगर मुझे कास्ट कर रहे हो तो तुम मेरे साथ रिस्क लोगे?
उस टाइम तक नहीं कर रहे थे, तूने ज्यादा प्राइस बोल दिया था यार ये तो ज्यादा बोल रही है, इतना तो बजट ही नहीं है, इसको यही छोड़ देता हूँ नहीं यार बट बट आई थिंक मैं अट्रैक्टिव हूं, आई फील यू, आई फील यू, आई फील यू। तू कैसे फील कर सकता है कि भाई एक लड़के का कर्तव्य होता है कि अट्रैक्टिव लड़की को, जो कि हर लड़की होती है ठीक है, उसको सेफली एक अच्छे ठिकाने तक छोड़ देना। ये सिंगल लौंडे क्या समझेंगे, इसलिए तुम सिंगल हो, मतलब थे जो जो भी है। हम दोनों सिंगल, कलेक्टिवली सिंगल है। कूल, सो व्हाई नॉट वी जस्ट प्ले अ लिटिल गेम टू प्रूव दिस। हमारे पास अभी दो स्ट्रगलिंग एक्टर्स बैठे हैं, एक वेस्ट बंगाल से, एक मुंबई से। सो आई थिंक जो चीज इंटरेस्टेड होगी ऑडियंस टू नो इज कि कैसा स्ट्रगल है, लाइक हाउ इज द स्ट्रगल। चैतन्य, स्टार्टिंग फ्रॉम यू यार। मुझे स्ट्रगलिंग क्यों कह रहे हो, मेरे को लगा तुम अपनी बात कर रहे हो सारे आपस में। अरे यार सॉरी भाई, अरे यार किससे पकड़ ले रहा है। सो हाउ इज द स्टारडम यार, करण जौहर को कितनी बार मना करना पड़ता था। आई एम नॉट एन एडवोकेट फॉर नेपोटिज्म, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रगल है यार, बहुत मुश्किल है, मतलब भाई पैसे भेजते, रेंट भरना है यार, मोबाइल डेटा पे जूम कॉल कर रहा हूँ भाई, वाईफाई लगाना है यार, कॉन्फ्लिक्ट वो इतनी गलती थी यार। मैंने जॉब करके भी देखी, जॉब भी देखता था मैं, वहाँ पैसे अच्छे मिल जाते थे पर वहाँ बैठे बैठे थक जाते थे, मेल का वेट कर रहे हैं, एसी के कमरे में बैठे हैं, स्क्रोल कर रहे हैं, सैलरी अच्छी मिल रही है पर थक गए। अब यहाँ पर वैसा वाला ग्राफ होता है, मतलब होपफुल होपलेसनेस, अपॉर्चुनिटी डिजेक्शंस रिजेक्शंस, अरे कुछ मिला कुछ मिला कुछ मिला कुछ मिला, अरे शिट शिट ये तो गया गया गया, कुछ मिला बट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, तो ये ग्राफ ना बहुत ऐसा ऐसा है, बट यहाँ मन करता है कि ऐसा चलता रहे, इट गोज ऑन फॉर व्हाइल और सुकून है। आई एग्री टू दिस, आई अंडरस्टैंड मतलब सिमिलर चीज मैं भी फील करता हूँ यार, कि मतलब एक्टिंग की लाइफ में जो बिल्कुल ऐसे सीरियस एक्टिंग वाली लाइन होती है ना, उसमें बड़ी इनसिक्योरिटीज होती है यार। आई अंडरस्टैंड दिस, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड? Yeah. You understand? No, I don't understand. I'm not an actor. We'll come to that. Anyways. Most truthful podcast ever. Anyways. बाबा वहीं पे रहते थे आसपास एकदम, बट खोए हुए थे। तो क्या कैसी रहती है कुणाल सर एक्टर की, एक 27 साल के एक्टर की लाइफ कैसी रहती है? It's hard being 27, you know. बताओ बाबा। स्टार्टिंग फ्रॉम कुणाल खेमूज मूवी, जहाँ मुझे काम मिला, सबसे पहला मेरा काम, मैं शूट पे गया, रिहर्सल्स पे गया, शूट पे गया, उसके बाद 3 दिन का शूट था, तीनों दिन शूट हुई नहीं मेरी, और तीसरे दिन इवेंट खत्म, शूट खत्म होती लास्ट में बोलते हैं हो गया आपका, मैं बोला मेरा सीन नहीं आपका सीन तो हटा दिया ना हमने, कहा अच्छा पहला शूट काफ़ी मज़ेदार मिला मुझे, थैंक यू। ये कहाँ पे मिला? उसके बाद ये कोलकाता में मिला था, जब मैं थिएटर करता था यहाँ पे कोलकाता में, तभी यहीं पे मिला था। हाँ, उसके बाद बॉम्बे थे क्या? नहीं बंगाली तो नहीं था, आई लव बंगाली। उसके बाद तू बॉम्बे भी गया था आई गेस? हाँ बॉम्बे था कुछ दिन, फिर वापस कोलकाता आया, फिर दिल्ली में जैसे ही पहुंचा वैसे ही कोरोना, एंड कोरोना वाज लाइक बंगाली बोलते कोरोना, मतलब कुछ मत करो, तो कोरोना वाज लाइक दैट फॉर मी, कुछ नहीं कर पाया। और उसके बाद जब वापस आने का था प्लान, तब आप मिले, व्हाट्स द पॉइंट मिला। लेकिन इसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई, अब मुझे बंगाल में भी काम आते हैं,
लोगों ने मुझे अभी कल की बात है ना, मेरे को रिस्पॉन्स मतलब एक आया, मैंने भेजा प्रोफाइल वगैरह, बंगाली काम था, मैंने प्रोफाइल वगैरह भेजा, वो मतलब विद इन हाफ एन आवर मेरा सिलेक्शन भी हो गया। आई वाज सो हैप्पी, माय गॉड, मुझे ले लिया गया। और फिर सीनियर, अपने सीनियर का उसने नंबर भेजा, बोला इनसे आप कॉन्टैक्ट कर लेना। इवन अभी हमारे ये शूट के भी के बीच में भी, पॉडकास्ट के बीच में भी एक बार कॉल आया था मेरे को। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू वर्क इन, मैंने बोला मैं ऐसा, या तो मैं बोला मैं ऐसा सा हूँ, मैं करता हूँ। बट द थिंग इज कि उसने ना बोला कि आपका ऐसा है कि हो गया है सिलेक्शन, लेकिन डायरेक्टर का एक डिमांड है, डायरेक्टर साहब एक डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड आप पूरा कर दोगे तो ही वो लेंगे आपको, वरना वो नहीं लेंगे। तो एक सेकंड के लिए आई वाज लाइक, अच्छा धर्मा में सिलेक्शन हो गया मेरा। मैं बोला धर्मा से कॉल आ गया, मैं सन बांग्ला करके एक चैनल है उसके लिए आया था, सन बांग्ला के लिए दिया था मैंने, ये धर्मा से आ गया कॉल, क्या डायरेक्टर डिमांड क्या है, मतलब समझा नहीं मैं। तो कहता है मैं वो नंबर दिया सर का, सर आपको कॉल करेंगे और अगर सर नहीं करते तो आप कर लेना। मैं बोला ओके मैं कर लूँगा, तो मैं करूँगा कॉल, तो मैं करूँगा, आई वॉन्ट टू नो द डिमांड। तो ऐसे गौरव आर्या टीवी के साथ काम करने का, दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस, काम के ऑपरेशन नहीं, मैं वही तक काट के ले आऊंगा ना। एक वो अच्छा। वो चैनल बनाया था, सोच रहा हूँ गौरव आर्या टीवी रिव्यूज, उसमें ना एक्टर लोग डालेंगे कि अपनी स्ट्रगलिंग स्टोरी, फिर मैंने गौरव आर्या टीवी के साथ काम किया, देन मेरी लाइफ चेंज हो गई, फिर जहाँ तक अच्छी जा रही है वहाँ पे काट दूँ, फिर वहाँ पे मैं एंटर हो जाऊँगा, दिस इज व्हाट हैपेंस एट गौरव आर्या टीवी, आर यू रेडी, सेंड योर न्यूड्स राइट नाउ टू नो मोर। Yeah. But these were all the jokes, yaar. I feel काफी अच्छा environment रहा होगा वहाँ पे। जो बंदा अभी तक रुका है और ये podcast देख रहा है, तो मैं आप clarify कर देता हूँ, जो पहले ही चला गया उसका मैं कुछ नहीं उसका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। पर जो अब तक रुका हुआ है उसको मैं कह देता हूँ भाई कि नहीं, I hope the environment was good. Shalini would confirm यार। खाना भाई खाने का था, महामाया रसोई से आया था डी टी के सामने से वो बंदे का पता है रिएक्शन ऐसे ही रहता है, उसको जाके बोलो ना कि भाई यार पराठा इतनी देर क्यों लग रही, आया क्यों नहीं, वो ऐसे आएगा क्यों देखा और फिर तुम्हें देख के अबे बहनचोद पराठा की लेट है भोजन से, फिर क्या था, ठीक है भाई बैठ जाएंगे, एक घंटे बाद फिर से जाओ, अंकल पराठा नहीं आया। मेरे को तो बहुत तगड़ा कस्टमर मांगता था, गौरव जी आपके ही थ्रू तो काम आएगा, आपके ही तो थ्रू काम आएगा, आपके ही थ्रू तो काम आएगा, फिर भैंस सड़ाओ खाना। अरे पता क्या हुआ, फिर हमारा नाश्ता कब आएगा, माया रसोई की एक बहुत चूतिया चीज मैंने देखी। उन सालों ने पीछे वो लगा रखा पूरा वो अपना मेन्यू, बड़ा बैनर टाइप में, तो उधर लिख रखा 15 रुपए का पराठा है, जो 10 रुपए की लस्सी, 15 रुपए का मैंगो शेक, ऐसे 20-20 रुपए की चीजें लिखी हुई। हम वहां बैठे हुए, मैं था, मेरा एक और गरीब रूममेट। सो ये हुआ भाई कि हम लोग खा रहे थे, हमें लगा 15 रुपए का पराठा है, जो 6-6 पराठे दबा गए हम, बढ़िया एकदम मस्त। यस, उसके बाद हमने फालतू चीजें मंगाई जो मैं नॉर्मली कभी नहीं मंगाता। 20 रुपए का बैंचूद मूंग का हलवा लिखा हुआ है वो एक कटोरी, मैं कभी नहीं मंगाता ऐसी चीजें, बट मैंने मंगा ली, मैंने कहा 20 रुपए ही तो है कोई बात नहीं। वो भी मंगा ली, फिर रायता मंगा लिया अलग से 10 रुपए का, सब चीजें मंगाई बैंचूद। जब वहां से उठे हमारे दिमाग में था 150 या 200 रुपए बने होंगे उस मेन्यू के हिसाब से। हम गए अंकल के पास, अंकल ये चीजें हैं लो आपके, 200 रुपए दे दिए हमने, इसमें से काट के दो। कहता बेटा आपका बिल 540 हो गया है। तुम ये देख लो, महामाया से अगर 540 में खर्च कर रहा हूँ तो क्या खाया होगा मैंने, चूतिया खाना है मैं, चूहा का कट गया भाई बहुत दिन था।
वो बंदा है ही ऐसा, और वो साले को जब 200 रुपए दिए तब भी उसने ऐसे ही देखा। अरे भाई मुझे कभी भी ना वेब जैसे यहाँ पर शूट हो रहा था उस टाइम खाने का एक कंप्लेंट आज सच नहीं लगा था कभी। मजा पता है कब आता था, एपी अपने आप ही बोल रहा है यार मेरे को कंप्लेंट आई है खाना अच्छा नहीं है ये बदलेंगे, कभी कभी वो खुद ही मन मर्जी से कह रहा है ये बदलेंगे कंप्लेंट आ रही है, जिसको अच्छा लग रहा होता था फिर वो भी बोल देता था हाँ, नहीं। तो बेसिकली क्या होता है ना जब हम ऐसे बाहर से खाना मंगाते हैं ना, बाहर के खाने और घर के खाने में भी फर्क होता है कि घर का खाना आप रोज खा सकते हो उसमें एक अलग फ्लेवर मिलता है, बाहर का खाना एक मोनोटोनस फ्लेवर होता है। तो जब बाहर का किसी नए रेस्टोरेंट से खाना आता था ना और जब आप उसकी मोनोटनी पहली बार फील करते थे आप कहते थे वाह क्या खाना है, वरदान भाई को हम खाना खिलाते थे टेस्ट कराते थे भाई ये रेस्टोरेंट बढ़िया निखिल लेकिन ये रेस्टोरेंट बढ़िया इसी से आएगा अब इसी से आएगा, अगले दिन वही खाना तुम रिजेक्ट कर रहे थे यार, मजा नहीं आ रहा यार इन्हें खराब कर दिया खाना, फिर दूसरे रेस्टोरेंट से आता था कहते ये बढ़िया है भाई दिस इज द रियल शिट भाई दिस इज द रियल शिट, फिर अगले दिन उसे भी रिजेक्ट कर देते थे। तो ये तो नहीं नहीं सही, पहले दिन वो लोग अच्छा देता था बाद में दूसरे दिन एडवांटेज लेता था वो, क्या एडवांटेज मुझे तो सेम खाना दे देगा ना दोनों दिन सेम खाना, पहले दिन वाह 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 हो जाएगा अगले दिन सही में ऐसा है कि हां यार समझ सकता हूं मतलब पहली दाल रोटी की बढ़िया थी। एनीवेज मैं और कुणाल तो भाई चले जाते थे अपन सामने बंसल स्वीट पे कचौड़ी खाने चले जाते थे, जलेबी खाई हमने एक आधी बार यार वहां से है भाई जलेबी खाई थी हमने एक आधी बार याद है वहां से रात के 11 बजे याद है। अरे भाई मैं नहीं था यार ये दोनों बता रहे हैं कि हमने खाई थी मैं नहीं था भाई। आई गेस ये चीज़ मैंने बहुत एक्सपीरियंस की कि लाइक कुछ शूट्स पे मैं हूँ और कुछ शूट्स पे मैं बिल्कुल कंट्रोल छोड़ देता हूँ कि अब मैं नहीं रहूँगा वहाँ पे सिर्फ डायरेक्टर रहेगा और वही मैनेज करेगा चीज़ों को या ईपी निखिल भाई रहेंगे वो मैनेज करेंगे, तो ये चीज़ तो भाई थी कई जगह पे और लेफ्ट आउट तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं सो रहा था उस टाइम पे बड़ी मुश्किल से वो थोड़ी बहुत 4-5 घंटे की नींद मैंने वहाँ पे जुगाड़ करी है, बट हाँ ऐसे मोमेंट्स हुए हैं कई सारे जब मेरे पीठ पीछे जलेबियाँ खाई गई हैं एंड आई अबे ये चीज है मतलब ये चीज मैंने भी नोटिस करी है आई वाज नॉट देयर बहुत ज्यादा टाइम तक बट मैंने सुना है कि यार गांड फटी थी इसकी क्योंकि मतलब इसका ये जॉनर है नहीं सीरियस शूट करना, तो मतलब हैट्स ऑफ टू दिस गाय आल्सो भाई अगर तुम अब तक पॉडकास्ट देख रहे हो जो दो बंदे देख रहे हैं उनको पता चल गया कि हैट्स ऑफ टू दिस गाय लिटरली मतलब यार ये एक बहुत बड़ी टास्क थी जो पुल ऑफ कर ली इसने, मैं जानता हूँ इस और 2-3 दिन रिहर्सल पे आने के बाद मुझे पता चला देखा देखा धीरे धीरे देखती गई फिर अच्छा बेटे मुझे तो मेरी वाली अलग है बहुत अच्छी लगी इसकी और सेक लौंडा ऑब्वियसली संदीप महेश्वरी टेक्निकल गुरुजी मेरी वाली अलग है बहुत पसंद आई लड़कियों को, मैंने करी इसलिए थी वो वीडियो ताकि लड़कियों को पसंद आए यू नो समथिंग शी डू फॉर समथिंग नहीं मैंने वो तेरे लिए नहीं कह रही मैं जय के लिए कह रही हूं क्योंकि उसमें जय बहुत पसंद आता है समथिंग समथिंग भाई ने जो करा मुझे पूरा तो बोलने दे समथिंग्स यू डू फॉर योर फ्रेंड्स पूरा तो बोलने ही नहीं दिया मुझे समथिंग्स आई डिड फॉर माय फ्रेंड्स तो हां वो तो है और मैंने वो वाली भी अच्छी थी तेरी म्यूजिकल चैट्स वाली सारी हां उसमें और एक तूने सबसे पहले मतलब मैं तो मैं जज कर रही थी कि देखती हूँ ये अभी अच्छी वीडियो बना रहा है पहले से बना था मैं तो नीचे चली गई तब तेरे वो व्लॉग्स देखे मैंने कॉलेज व्लॉग हाँ
nice. लोहिया भाई के साथ मेरा भी सिमिलर एक्सपीरियंस था गौरव से जब गौरव का जो के गौरव पे एक व्लॉग है जब तुम नया नया शिफ्ट हुए हो बाग वाले बैठ में जो तुम टेबल चेक कर रहे हो गौरव गौरव एक नंबर तुम्हारा ड्रेस कोड यही है कि मैं जान पूछ के हाफ पैंट या ऐसे निक्कर में ही रहूंगा जब कोई सामने वाला बंदा पहली बार आएगा। आई रिमेम्बर मैं भी पहली बार आया था ना बनियान में था और निक्कर में बैठा हुआ था, मैं कहा ये सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग फिलोसफी फेंक रहा होगा सामने इसलिए ऐसा होगा। भाई ये बंदा कितनी गलत टाइम पे आया चैतन्य, मैं लिटरली ट्रिमर से ना बाल काट रहा हूँ अपने, ठीक है, और ये घंटी बजाता है टिंग टोंग, अब मैं क्या करूं ट्रिमर लेके आ रहे बालों, अब मैं क्या करूं, नहीं सेंसिबली एक बंदा क्या करे, अब वो कोई कपड़ा पहने तो वो गंदा हो जाए, नहाने जाए तो टाइम लगे, तो क्या करे। बट एनीवेज कमिंग टू माय ड्रेस कोड यार, आई लाइक टू कीप इट सिंपल। मैं जिस दिन आई थी तब इसने यहां पे क्लेचर लगाया हुआ था और एक वो वाली शर्ट पहनी हुई थी इसके, वो वाली नहीं है जो उसमें गौरव जोन वाली, हाँ वो वाली और निक्कर पहनी हुई थी और निक्कर पहनी हुई थी इसमें, मैं तो देखते ही एकदम मतलब मैं अच्छा प्रोडक्शन होगा। मेरे दोस्त ने बोला था मुझे चली जा जा ऑडिशन दे अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छा प्रोडक्शन है, तो मैंने से ड्रेस कोड देखा, मैं एकदम अच्छा प्रोडक्शन होगा और अच्छा प्रोडक्शन है। है बिल्कुल, इतना साफ टॉयलेट मैंने लाइफ में यार मैं मुझे ये बोलने दो इसका बागवान वाला घर इतना गंदा, बहुत गंदा यार, मतलब एकदम मतलब मैं ना मेट्रो में अंदर अपना सिस्टम खाली करके जाती थी कि इसके घर पे गलती से ना मुझे आ जाए सुसु, गलती से भी ना आ जाए मुझे अपने जाना ना पड़े यार, मतलब तुम्हारे टॉयलेट में चलो ठीक है थोड़ी बहुत जिंदगी हाँ नॉर्मल होती है, मतलब हम लड़कियों के लिए वो थोड़ा बहुत जो थोड़ा बहुत लगा होता है ना स्पॉट वो भी रहा यार, इसके बाद में कीचड़ होता था नीचे ने क्या ये पत्थर पड़े नीचे क्या था यार, तू साफ क्यों नहीं रखता था ये तब से शुरू हुआ जब से जय भाई रूममेट नहीं रहे मेरे साथ, नहीं तो जय भाई तो एकदम अंदर से निकल आता था भाई, क्या होता था कि भाई की रगी रह जाती थी ना अगर पॉट पे तो मैं अपनी मार के गिरा देता था। तो हमारा एक हेल्दी कंपटीशन रहता था कि यू नो कैसे साफ करनी है, अब जब जय भाई चले गए वो कोऑर्डिनेशन ना किसी के साथ बैठ ही नहीं पाया, कई लोग आए रहने के लिए, बंद 10-15 लोग रहे मेरे साथ लेकिन किसी की ना वो बैठ ही नहीं, तो मैं तो सबकी हटा देता था, मेरी कोई नहीं हटा पाता। That was the most difficult task, I would say. अब तुम सोचो कैसे survive करेगी क्योंकि लड़की वहाँ पे। But anyways यार big aim अच्छा होना चाहिए लड़की का। Big aim. I won't discriminate यार। But aiming नहीं होती ना इनके पास, aiming device नहीं होता इनके पास। ऐसा है क्या? नहीं होता है। Aiming device होता है। Hence proved मैंने Vic कहाँ से inspire किया था। Vic का वो वाला part. Anyways big ups to Bagwan apartment यार, Bagwan apartment में बहुत काम हो गया hence like. जब से हमने रहना शुरू किया एंड वेब सीरीज तक शूट करके आ गए वहाँ पे, आई थिंक इट्स अ गुड एंड टू बागबान अपार्टमेंट यार कि हमने वहाँ पे वेब सीरीज शूट की, अच्छे से मचा डाला उस घर में। बागबान अपार्टमेंट जब हमने लिया था तब भी इनफैक्ट ये चीजें सोची थी कि उसके अंदर बहुत कुछ हम करने वाले हैं जो कि नहीं हुआ, काफी वक्त तक हुआ, काफी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द चीज बकचोदी तो हो गई काफी, दैट्स देयर। बट एनीवेज कमिंग बैक टू यू गाइस यार, चुप चुप बैठे हो बड़े, क्या चल रहा है बाबा? ये होता है जब ऐसे ज़ूम पे होता है ना लोग, हाँ यहाँ बैठे होते ना तभी हम पे चढ़े होते हैं, पता है ऐसे अभी तुम बोल लो बेटा कोई बात नहीं, यही सोच मेरा, मैं बताता हूँ मेरा, जैसे मैं इससे मिला ना गौरव से मिला तो आई केम विद अ फ्रेंड, मैं उस टाइम पे दिल्ली में था तो मेरा प्लान बन रहा था बॉम्बे एक महीना जाने का पहले कुछ शॉर्ट फिल्म वगैरह के लिए, तो गौरव और मैं पहले एक बार मिल चुके थे, एक कुछ स्टेज प्ले हुआ था मेरा मंडी हाउस में आईटीओ इसके पास में कहीं, तो गौरव एक्सीडेंटली मिला और वो पूरा ऐसे प्रॉपर बढ़िया था बॉस, बढ़िया था करके ऐसे स्ट्रेट फेस के साथ एक लाइन बोल के ऐसे निकल लिया। नहीं नहीं वो एक तो निखिल का फोन आया एक दिन मेरे को, कह रहा है चतन्य तू कहाँ पे है, मैं कह यार मैं दिल्ली में ही हूँ, कह रहा यार एक चीज सोच रहे हैं एक मिलना आएगा एक बंदे से तेरी बात कराता हूँ, तो उसने नंबर दिया एड्रेस दे दिया, मैं अगले दिन ना अपने दोस्त के साथ चला गया था एक बार, ये अपना वही करता हुआ जो बीच में उससे मिला मेरे को ये वही 15 नहीं बट समरी तुमने ना बहुत क्रिस्प उस पे बहुत उससे सुना दी थी, मतलब आई थिंक 15 मिनट का डिस्कशन हुआ होगा
वो पूरा समरी 5 एपिसोड ऐसे 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 जाएगा, और उसके बाद ना जो मेरे साथ आया था करण, तो उसने तुम्हारा काम देखना शुरू किया, और वो ऐसे कि अरे भैंस क्या किए देख, अरे इसका सरकाज़म ऑन पॉइंट है, अरे ये वाली वीडियो देख करके मेरे को सेगमेंट्स बताने लगे, इसको 3 मिनट 52 से देखना शुरू करियो, बहुत बकचोदी करी है इसने, ऐसे ऐसे करके भेजता गया मेरे को, तो मैंने लाइन से वीडियो देखी। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे गया, बीच में अब मैंने ऑडिशन भी पता कैसे भेजा अपना, मैं 2-3 दोस्तों के साथ था, वही चिल कर रहे थे, ऐसे सुबह हो गई थी 4:30-5 बज गए थे, और पिछली रात से निखिल बोल रहा है कि यार ऑडिशन देना है, ऑडिशन देना है। मैं कहा हाँ यार मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उसका वॉइस अच्छा नहीं है, तो मैं रीशूट करके सुबह भेजता हूँ, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। 5:30 बजे सुबह के मैं घर निकलने वाला था, उस जो मेरी फ्रेंड है उसका घर बहुत सही था वो वाला, मैंने कहा मिरर में एक मोनोलॉग शूट करना है, मैं यहाँ पे शूट करता हूँ। तो जो पड़े हुए बर्ड्स थे ना पिछली रात के, वो मैंने यूज करे, उसको लगा लगा के शूट करके मैंने इसको और निखिल को ऑडिशन भेजा। फिर फाइनली वी सैट, फिर इसने मेरे को एपिसोड बाय एपिसोड सुनाया, तब कुणाल आया था पहली बार ना, मतलब निखिल से मैं तब मिला पहली बार, और ग्लैमर भी था उस दिन, 2-3 लड़कियां और थी। जब पहली बार जब पहली बार मैं चैतन्य से मिला, मुझे लगा यार काफी डिलीजेंट बंदा है, मुझे अच्छा लगता है एकदम यू नो थोड़े से डिसिप्लिन लोगों के साथ काम करने में, क्योंकि मैं तो हूँ नहीं, वो लोग रहेंगे तो थोड़ा सा मेरी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा। बट फिर जब चैतन्य से मैं ऑडिशन मांगता था ना, और ये भेजता नहीं था कि भाई बिजी हूँ मैं, बिजी हूँ मुझे, मेरा बहुत दिमाग खराब होता होने से, यार मैं तो कितना ही ये बिजी है यार, 10 मिनट का एक ऑडिशन रिकॉर्ड करके नहीं भेज रहा। लेकिन फिर आई थिंक जब ही केम बैक टू दिल्ली, फिर चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो गई थी, व्हेन ही वाज टोटली फोकस्ड ऑन आर प्रोजेक्ट। कुछ और था भी नहीं ना हाथ में भाई, ऑनेस्टली कुछ और हाथ में नहीं था। द स्ट्रगल इज रियल गाइस, when no one is there for you, who's there for you? yeah. anyways, Kunal Baba, आपका audition वाला story कैसा रहा था फिर? पहले आपने audition भेजा था एक खतरनाक सा दूसरे character में हमारा, क्या लग रहा था, क्या feeling आ रही थी? पूरी story सुनाओ। मैं बोला तो ये था कि हुआ था क्या ना कि luckily जब मेरे को ये बताया Sam ने कि ऐसा है, उसके जस्ट एक रात पहले शायद मैंने वो ना तुम्हारी वो विवेक बिंद्रा वाली थोड़ी सी क्लिप किसी मीम पेज ने शेयर करी थी, वो मैंने देखा था, वो जब तुम्हें वो आता है ना वो पार्सल देने के लिए उसको लेके अंदर खींचते हो, यह रहता है हाँ वो वाली सीन मैंने देखी थी मैं। तो जब नेक्स्ट जब सैम ने बोला ये है ऐसा प्रोडक्शन है इस बंदे का है, तो इससे वेब सीरीज बना रहे हैं लोग, देखना है, तो मैं बोला चलो एक बार देखते हैं कौन। अरे इसका तो वीडियो कल ही देखा मैंने, फिर मैं कंटिन्यू 2-3 वीडियो देखा, मैं बोला चलो ठीक है, मतलब स्केचेस बनाता है वेब सीरीज, तो बोला नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत सही जगह है, वेब सीरीज है, कर कर ट्राई कर दे, तो बोला अच्छा। फिर बताया जब बात हुई, फिर शायद निखिल और शिवम कोई किसी ने भेजा था स्क्रिप्ट के ये है बाबा आपको ये करके दिखाना है, ये सीन है झाड़ू मारने का, ठीक है करते हैं। मैं मारवर के भेजा तो इन्होंने बोला कि हमें तो जैसे आम आदमी वाला झाड़ू वाला चाहिए था, आप तो हैरी पॉटर वाला कर दिए। फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा निराश था, और एक दिन पहुंचा वो फिर वही मैं कॉल पे हूँ और डिलीवरी वाला घर पे आया हुआ है, वो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मैं श्योर हो गया कि मुझे काम पे यहाँ घंटा तुम्हें मिलना नहीं है, और पानी तो यहाँ तुम्हें कोई पूछने वाला है नहीं, तो अगर हाय हेलो हो जाए तो हो जाए, उसके बाद निकल लो एकदम। अच्छा नहीं बट हुआ क्या था बेसिकली मैं बताऊं, सैम ने तेरा जो पुराना ऑडिशन देखा था, थोड़ा सीरियसली बात कर लेते हैं, जो तेरा पुराना ऑडिशन भेजा था दूसरे कैरेक्टर के लिए, मुझे वो भी अच्छा लगा था, बट मुझे वहां पे क्या दिखा, वहां पे मुझे तेरे में पोटेंशियल दिखा कि तू इससे भी बेटर कर सकता है कुछ, समझ रहा है? लाइक तेरा बोलने का तरीका जो था वो मुझे लगा कि दूसरे कैरेक्टर पे बेटर बैठेगा और तू वो बहुत अच्छे से कर पाएगा, विच आई डेफिनेटली थिंक आगे के एपिसोड्स क्योंकि मैंने देख रखे हैं, तो मुझे पता है कि यार यू हैव डन दैट। तो सैम को भी ये लगता था, तो मैंने कहा इसको बुलाते हैं और इससे एक बार कुणाल वाला ऑडिशन करवाते हैं ठीक से। सैम को भी ये लगा भाई हम दोनों ने फिर बुलाया तेरे को ठीक से, फिर जब हमने वो वाला ऑडिशन तेरे से लिया ना, तब हमें समझ में आया कि भाई बंदे में पोटेंशियल है, काफी सॉलिडली इस रोल को प्ले कर पाएगा, क्योंकि वहां पे हमको ऐसे ही बंदा चाहिए था, समझ रहा है, जो लुक वाइज समवेयर अराउंड मी हो, और क्या कहते हैं
ऐसा ही होता है, मतलब समझ रहे हो कि बॉडी फीचर्स भी देखे जाते हैं। ये चीज मेरे को पहली बार पता लगी थी कास्टिंग में, जब आप कास्टिंग का वो भेजते हो ना तो आप बहुत चीजें भेजते हो कि ये एज चाहिए, ये हाइट चाहिए, ये चाहिए, विच इज वेरी ऑब्जेक्टिफाइंग, बट स्टिल एज अ राइटर और डायरेक्टर जब तुमको कोई चीज चाहिए और कोई चीज दिखानी है स्क्रीन पे, दैट्स हाउ इट इज। तो उस हिसाब से ये बंदा काफी सॉलिड बैठ रहा था उन चीजों पे और बढ़िया लगा, फिर इसको ऑडिशन भी इसने सही दिया। बाकी एक जगह पे दिक्कत आ रही थी बाबा को, बस थोड़े से अंग्रेजी के शब्दों को प्रोनाउंस करने में, लेकिन बाबा ने भी जैसे तैसे गांड का जोर लगा के वो भी कर ही लिया सॉलिड। बाकी हिंदी वेब सीरीज में इतना अंग्रेजी डाल रखा था ना। बाकी पहले पेज पे, पहले पेज पे स्टोसिज्म लिखा हुआ है, मैंने भी ध्यान से देखा, मैं कहा भाई पहले पेज पे ही डाल दिया इसने। And talking about Chaitanya, मैं अपनी दोस्त के साथ गया था थिएटर देखने के लिए प्ले। उस टाइम पे आई वॉज थिंकिंग कि यार चलो थोड़ा सा और एक्टर से मिलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। निखिल ने मेरे को बुलाया था, जो तुम्हारा थिएटर है, क्या नाम है उसका, मंडिया, उस पर यार नाम मैं भूल गया, मैं एक महीना ही रहा था उस वर्कशॉप में, तो मेरे को एक्सीडेंटली मिली थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। 28 वाले में आ रहा है। पता नहीं, एनीवेज तो मैं गया वहाँ पे और चैतन्या वॉज प्लेइंग द लीड रोल आई थिंक उस वाले प्ले में, है ना। Martin, तो Martin, मुझे काफ़ी, हाँ मुझे काफ़ी सॉलिड लगा ऐसा काम। तो उस दिन तो मैं बस यही कर रहा था कि हाय व्हाट्सअप, क्या हाल है, गुड एक्टिंग ब्रो, नो मैटर हाउ हाउएवर इट वाज, गुड एक्टिंग ब्रो, नंबर दे दे यार। तो मैंने बहुत सारे लोगों का नंबर लिया, यू आर वन ऑफ देम। तो उस टाइम से मेरे को याद था कि इफ़ आई वॉज गोइंग टू कास्ट समवन लाइक यू नो, कि ऐसा कोई परफेक्ट बंदा है ना, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर ठीक हो, जिसका बोलने का लहजा थोड़ा सा अप मार्केट हो, तो आई थिंक ये बंदा काफ़ी सॉलिड लगेगा उसमें। तो उसी टाइम से मेरे दिमाग में था, तो फिर मैंने निखिल को बोला कि यार निखिल भाई ये बंदा बड़ा सॉलिड था यार, इससे एक बार बात हो जाए। तो दैट्स हाउ वी गॉट कनेक्टेड। निखिल ने मेरे को क्या बोला पता है, कहता भाई गौरव ने लिखा ही तेरे लिए, गौरव बात ही तेरी कर रहा था लिखते हुए, तेरे को आना ही पड़ेगा। ऐसे कन्विंस किया उसने। सो नाउ यू नो निखिल बेटर यार, इस तरीके से बात करता हूँ। दिस इज हाउ इट शुड बी यार, लाइक कन्विंसिंग एबिलिटी अच्छी है उसकी, मतलब इवन फाइनेंसेस व्हेन वी वर टॉकिंग ना, कह रहा ब्रो देख ये चीज तेरे लिए ही लिखी हुई है, तो मेरे को नहीं लगता कोई चीज तेरे को रोक पाएगी ये करने से, तू आ, तू पहले मिल। Big ups to Nikhil, the executive producer of the project. सबको फ्री में काम कराने वाले पहले इंसान बने। Anyways, I think अब हमको join करने वाले हैं रवि सर एंड अशोक सर। रवि सर who played the dad of Vic and अशोक सर who played the dad of Nikhil. तो अब थोड़ा सा माहौल गाइज होने वाला है तहजीब वाला, बात कर लेते हैं यार, अब थोड़ा सा अंकल कोशिश करेंगे, अब थोड़ा सेंसर होके बात करें। हाँ सीधा बैठो यार, बात कर रहा है यार, पैर नीचे कर लो यार, तहजीब यार थोड़ी सी। भाई ये बंदा तो सुपरमैन लग रहा है पक्का, क्लार्क क्लार्क वो क्या नाम है, केंट क्लार्क होता है ना, क्लार्क केंट। हाँ That's a question I should be asking you youngsters. सब बढ़िया चल रहा सर। मेरा तो चल चुका जो चलना था। सर का जो रोल सर का रोल बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट सर, काफी काफी इंप्रेसिव यार। लाइक सेकंड एपिसोड आई गेस आप लोगों ने देख ही लिया होगा जब तक ये पॉडकास्ट आएगा, तो आई थिंक आई वाज रियली इंप्रेस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे याद है सर ने जब ऑडिशन भेजा था हमको, जब उन्होंने ऑडिशन भेजा था वो ऑडिशन ही इट वाज प्रॉपरली रिकॉर्डेड एंड एडिटेड विद बैकग्राउंड म्यूजिक, और ही वाज ऑडिशनिंग फॉर माय डैड फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब वो आए थे तब हमने उनसे मेरे डैड का रोल प्ले करवाया था, एंड देन हमें लगा कि यार विद हिज लुक एंड द वे ही टॉक्स आई थिंक वो विक के डैड का रोल बहुत बेटर प्ले कर पाएंगे, बिल्कुल एकदम अप मार्केट लुक और द वे ही टॉक्स ही कैन अचीव। तो आई थिंक ही हैज डन इट रियली वेल। तो I would like to know from you, sir, आपका experience कैसा रहा working with us? Firstly, I'd like to very humbly add that I had to put in that kind of an effort because it was Gaurav Arya's production. So okay. Even for my audition, even for the audition, it was Gaurav's. And I think there is a, before I talk about myself and my experience,
I would like the audience to know that you know, the opportunity to have worked with Gaurav was tremendous. He is a prolific writer and a director, both. I mean, that's he awesome. Knows his stuff kind of all inside out and all that, and I look forward to, I along with my company, which is Idea Multimedia, we look forward to, you know, being in association with Gauravarya TV for a long haul, you know, hopefully do definitely, and hopefully sir. Work on better projects. Definitely, my personal sir, experience definitely. Therefore was very professional, Gaurav. Thank you very mm-hmm. much for letting me be a part of the part of your project. Mm-hmm. You and your team, especially there are 3-4 things that I really liked. I mean, it was done with clockwork. So therefore, I think there was enough planning that was done that you were able to do the entire thing within about 10-12 days. And that was really impressive. Among the 3-4 actors, everybody who's here, very, very, very impressive. If ever I do a film, I mean, all of you are in some form or the other. Thanks a lot. So, sir, the rest of the... I would like to ask you ki yaar, how has your experience been like starting say from jab se aapne acting shuru ki and till now, how has that experience been aur yahan tak ki journey kaisi rahi aapki? Pehle to yaar lagta hu ki main the sir is pe to memes banengi proper sigma male wali memes banengi is pe लाइक जिस इंटेंसिटी से आपने वो प्रेजेंट किया ना आई वुड लाइक मैं उस दिन जब मैं एडिट कर रहा था जब मैं सैम को दिखा रहा था एडिट और आई वाज लाइक कि यार रवि सर अगर डेली सोप में आ गए ना ही वुड किल इट लाइक दिस इज व्हाट वी नीड इन डेली सोप लाइक जो ड्रामा हमें चाहिए ही कैन क्रिएट इट तो हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट सर थैंक यू प्लस ये चीज मैंने भी नोटिस करी थी यार आपका जो कैरेक्टर था ना वो काफी ज्यादा हद तक मेरे डैड से काफी मिलता जुलता था तो आपको देख के फट मेरी भी नहीं थी कि यार ये नेक्स्ट क्या करेंगे यार ये पकड़ के विक की धुलाई वुलाई ना कर देंगे यार वो जो सीन है जहाँ पे आप विक को पकड़ लेते हो कि साले मारूंगा तेरे को अरे बेटा मतलब लिटरली यार देख के वो लगता है कि यार नहीं सच में बाप खतरनाक वाला That was the power of Gaurav's writing. Meaning, I mean, our job was to only replicate it. You know, so it's all credit goes to the writer here. And I'm a huge fan of Gaurav's pen. You know, so as far as my journey is concerned, you know, there was like you when I was in your age group as all of you guys. Mm-hmm. It was a long 10-12 year long career. So I was never a part of a soap. But I was a part of a long series where each series or each episode was a different story, you know. Mm-hmm. So there were a number of these serials that I did and stuff like that. And then a long gap came because television had shifted to Bombay. Mm-hmm. Aur hum tab tak actually main baap ban gaye the. So wo journey phir follow karna possible nahi tha. So abhi, you know, I and my son Nalin, who is a very blessed musician and thank you, Gaurav, for including him as your music director. Yes, yes, yes. He did a great job. And he is doing a very good job on the series. Yeah. And so we used to talk it often, you know, okay, Nalin, now that you're getting into the industry and so on, yeah, I want a break as well. So yeah. I think it is thanks to your and Nalin's little conversation that brought me back into the scene. I hope that your series does so well that, you know, or and I hope you and your next project and stuff like that. Actually, ye cheez bhi I would like the audience to know ki pehle I was looking for a music producer to score this whole series. So, kisi ke through from my connections, Nalin came into my network. And then when I was like, ki, Nalin, I want to cast a dad, he said ki my dad is also an actor and he is a really good one. So, you should try him as well. And... I'm glad we did. So, back to you, sir. As far as the journey is concerned, this is in a snapshot, that is what it has been. Meaning, so I have had two parallel careers, one as a corporate executive, which I left as a very senior executive at the age of 40. And since then, there was this dream to be able to, you know, come back into doing movies and stuff like that and so on and so forth.
For some reason or the other, my life took a little different turn. These things never worked out. And as I mentioned, television got left behind because television had shifted to Bombay, you know, so I didn't have too much of a choice, you know. For someone like Chaitanya, I really envy you, you know. I wish I could have been like you, to have taken off in my life and, you know, gone to Bollywood once and for all. Although there were three movie chances that I had, having won the North India best actor at one point in time. So mujhe mila tha mujhe break. I got a break into Manmohan Desai's movie, but you know, he expired soon after we signed in and stuff. This happened soon after I got the award and stuff. Aur uske baad mein I got two other movies, when one got midway left because of budget issues, and another one got a low nose. So I'm really happy that you've been able to manage your project really tight and stuff like that, and seeing the end of the tunnel. Yeah, that's like the toughest job. Yeah, I know, execution is everything at the end of the day. Doing a task is one thing, and then managing the whole thing is like another. Yeah, that's it. Now coming to Ashok ji, jinhone mere dad ka character play kiya tha. Kaise hai sir aap? Namaste sir. Theek ho? Namaste sir. Aap sab theek hain? Bas sir, badhiya hai. To kaisa raha sir aapka journey, and kaise introduce hue aap? गौरव आर्या टीवी से. हाँ जी, हाँ जी सर. मेरे एक मित्र हैं राजकिशोर. हाँ जी, हाँ जी. उन्होंने मेरा नाम गौरव आर्या टीवी को सजेस्ट किया ये करेक्टर. हाँ जी, अच्छा. गौरव आर्या टीवी की टीम ने मुझे बुलाया, मेरा इंटरव्यू लिया. हाँ जी, हाँ जी. और मुझे कास्ट कर लिया. इस वेब सीरीज में काम करने का मुझे मौका मिला. अच्छा, ये बढ़िया चीज़ है सर. बट आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस कि इसके पीछे भी एक स्टोरी है सर, कि हमने निखिल के डैड के कैरेक्टर को कैसे हमने कास्ट किया. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हुआ क्या था कि हमें विक के डैड का कैरेक्टर मिल गया था, जो कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया था. बेसिकली आई वुड से कि रवि सर मेरे डैड का कैरेक्टर भी प्ले कर सकते थे, और विक के डैड का कैरेक्टर भी प्ले कर सकते थे. दोनों कर सकते थे, ही कुड डू बोथ वेरी वेल. बट हमें लगा कि हमें विक के डैड तो मिल ही नहीं पाएंगे, तो हम उन्हें वो रोल देते हैं, एंड उनका लुक भी ज़्यादा उन पर जाता है. अब ये करते ही दिक्कत क्या हुई कि निखिल डैड कौन प्ले करेगा, अब निखिल डैड के कैरेक्टर नहीं मिल रहा कोई. थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही सर. हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं कहाँ पे थे हम. हाँ, मैं बता रहा था कि निखिल के डैड को हमने कैसे कास्ट किया. तो हुआ क्या कि निखिल डैड के लिए हमको कोई कैरेक्टर मिल नहीं रहा था, तो बहुत मुश्किल से एक अंकल हमको मिले जो निखिल के डैड का रोल प्ले कर सकते थे. उनका लुक वाइज एवरीथिंग वाज गोइंग रियली वेल. फिर हमने उनको शूट पे बुलाया, और उनसे जब हमने एक दो शॉट हमने लेके देखे, तो हमें बहुत मुश्किलात हो रही थी. जो डायरेक्टर थे सैम भाई ने भी बोला कि यार वो कर नहीं पा रहे ठीक से उसको. हमने काफ़ी मेहनत की उन पर, बट इवेंचुअली वो हुआ नहीं वैसा. एंड देन फिर हमने उन्हें बोला कि सर आपका आज इतना ही रोल था, एंड देन वी सेंट हिम बैक टू हिज होम. और फिर बहुत मुश्किल से हमने कहीं से कॉन्टैक्ट लगाया, फिर अशोक जी को कॉल किया. देन अशोक जी को सेम डे हमने बुलाया, एंड देन हमने वो सेम शॉट्स दोबारा शूट किए उनके साथ, एंड ही डिड अ रियली वेल जॉब, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा. और मुझे बहुत पसंद आया रवि सर, इट वाज रियली नाइस. तब जाके हमें निखिल के फादर का जो रोल प्ले करने वाला एक इंसान है वो मिला. आई थिंक हमने बहुत मेहनत करी इस चीज़ में कि अच्छे एक्टर्स हम ढूंढ पाए. आई थिंक वो सबसे मुश्किल टास्क है, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स हैं अवेलेबल मार्केट में, बहुत सारे लोग आपको ऑडिशंस भेजने के लिए तैयार रहते हैं, बट उसमें से सही एक्टर्स चूज करना आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इवेंचुअली दैट इज व्हाट पीपल आर गोना सी ऑन द स्क्रीन. दैट्स लाइक हाफ द बैटल वन, यू नो. हाँ, तो अशोक सर कैसा रहा फिर आपका एक्सपीरियंस टोटल गौरव आर्या टीवी पे इस शूट का, व्हाट्स द पॉइंट का, स्टार्टिंग से लेके एंड तक? गौरव आर्य टीवी के साथ काम करते मुझे लगा कि
जैसे हम कोई शूट नहीं कर रहे हैं लगा कि तो हमारे हम सब घर के ही सदस्य हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं और हमारे घर में कोई फंक्शन होने वाला है श्याम भाई या वरदान भाई जो भी थे लाइट पर थे या मेकअप के लिए या सेट के लिए साउंड के लिए जो भी थे कॉपरेशन लगा ही नहीं कि हम मैं एक्टर हूँ या ये डायरेक्टर हैं या सिनेमेटोग्राफर हैं लगा ही नहीं कि हम घर के सदस्य हैं किसी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो अपने अपने पार्ट का काम कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा इसके साथ काम करके नारे भी काम करने का बिल्कुल बिल्कुल सर ये चीज़ तो हम काफ़ी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं लाइक अपने नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस वाले शूट पे भी और वेब सीरीज पे भी हमने सेम ही चीज़ अप्लाई की कि हाँ पर वो सबको एनवायरनमेंट जो है बहुत सीरियस है बट आपके सारे कंटिन्यूटी ऑफ कैरेक्टर्स देख के तो ऐसा लगता है कि ब्रेक थ्रू करना बहुत मुश्किल है कंसिडरिंग द आउटपुट ना क्योंकि वो बहुत सीरियस और डार्क है उसको शूट करना इन अ लाइट एनवायरनमेंट जहाँ पे सब कंफर्टेबल और घर जैसा फील करें वो चीज पुल ऑफ करना है आई थिंक नो व्हाट आई मेंट वाज दैट द स्पेस फॉर दिस टीम दैट गॉट असेंबल्ड नाउ फॉर इट टू बी एबल टू फाइंड इट्स प्लेस इन योर न्यू प्रोजेक्ट्स because there is a continuity of all the old friends and which is matlab the camaraderie is really strong ha wo to hai so bahut pyar lagta hai usme sab mein so that is what it is wo cheez hai sir like I would say ki is project pe kaam jo hai emotion se zyada hua hai aur I would say baki materialistic cheezon se kam hua hai and wo shayad screen pe dikha bhi hai aur wo zaruri bhi tha to be able to be at the stage that we are aur एक वेब सीरीज जैसे प्रोजेक्ट को पुल ऑफ करने के लिए आपको बहुत सारे इमोशंस और फ्रेंडशिप आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए टू बी एबल टू वर्क टुगेदर तो वो तो था ही बाकी कमिंग बैक टू अशोक सर कैसा रहा सर आपका मतलब थोड़ा बहुत अगर आप ऑडियंस को बताना चाहें अपने बारे में और कैसी आपकी एक्टिंग जर्नी रही मैंने सबसे पहले अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में एक नाटक में पार्टिसिपेट किया अच्छा उस समय मैं 8th स्टैंडर्ड में था अच्छा उसके बाद हेलो हाँ जी हाँ जी आवाज आ रही है सर नहीं 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 सुन रहे हैं उसके बाद एक्टिंग में रुचि बननी शुरू हो गई हाँ जी हाँ जी लिटरेचर इससे रिलेटेड जो लिटरेचर होता था मैं पढ़ता था मैगजीन और आर्टिकल जहाँ से भी जो कुछ मुझे मिलता था पढ़ता था उसे तो तुरंत पता चला कि पूना में कोई इंस्टीट्यूट है तो सोचा कि पूना जाऊँगा वहाँ से पास आउट होकर के मुंबई जाऊँगा और काम करूँगा साथ साथ मैंने ये भी कैलकुलेशन और की कि अभी मैं 9th में हूँ तब तक मैं 9th में आ गया अभी मैं 9th में हूँ पहले ग्रेजुएशन फिर पूना फिर मुंबई का स्ट्रगल तब तक मेरी उम्र इतनी हो चुकी होगी कि मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊँगा ओवर एज हो जाऊंगा तो सोचा थोड़ा पहले जॉब ही हासिल की जाए तो उसके लिए मैंने इस आइडियो को थोड़ी देर के लिए कुछ समय के लिए स्किप किया और जॉब का कंसल्टेंट जॉब मिल गई इस बीच मैं लोगों के संपर्क में रहा कि कहीं मुझे नाटक में काम करने का मौका मिल गया बाद से 86 में मंडी हाउस में मुझे राजेश शर्मा जी मिले राइटर हैं डायरेक्टर हैं एक्टर देखते हैं उन दिनों वो एक नाटक प्लान कर रहे थे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया ऑडिशन लिया अच्छा और बोले कल से रिहर्सल पर आ जाए अच्छा मैं इतना खुश हुआ उनकी बात सुनकर मंडी वास में आपको पता कई सारे हैं चारों तरफ मैं बस स्टैंड पर जा रहा था घर के लिए तो मैंने ये सड़क पकड़ने की बजाय ये सड़क पकड़ी अच्छा मैं चलता जा रहा हूँ तो लेकिन वहाँ पे स्टैंड ही नहीं आ रहा
नहीं आया तो मुझे होश आया कि मैं कहाँ हूँ। खैर शर्मा जी का मार्गदर्शन, मेरा परिवार, कुछ छोटे से रोल को भी मैंने अच्छे से निभाने की कोशिश की और ऐसा बन पड़ा। कभी ना तारीख सच्ची लोग भी आए हुए थे उस दौरान, सॉरी उस दिन राजेश शर्मा जी ने मुझे 50 रुपये का नोट पुरस्कार में दिया अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा, बिल्कुल फ्रेश लड़का है और छोटे से करेक्टर को भी किया है। वो 50 का नोट मेरे लिए किसी नेशनल अवार्ड से कम नहीं था। जारी है मंडी हाउस में पहचान का दायरा बढ़ा, मोदी नाटकों में काम करने का मौका मिला और अब आपसे बातें करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बातें मैंने आपसे काफ़ी करी सर शूट के दौरान, जब जब हम दोनों का शॉट होता था तो उसमें हम काफ़ी बातें करते थे और सर ने मेरे को काफ़ी गाइड भी किया कई सीन्स में जो मेरे को मुश्किल आ रही थी, जिनमें उन्होंने काफ़ी मेरे को गाइड किया कि यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप ऐसे कर सकते हो। आई गेस ये चीज़ चैतन्य ने भी फील की जब वो रवि सर के साथ कर रहा था रिहर्सल्स में, इनफैक्ट काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन हुई और काफ़ी चीज़ें ऐड हुई। जैसे सर के साथ जब मैं रिहर्सल भी कर रहा था ना तो स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ रही थी कि क्रिएट करें, सर इतना कन्विक्शन के साथ और इतना एफर्टलेसली वो प्रोवाइड कर रहे थे ना द राइट इम्पल्स, आधा काम वहीं पर हो गया। मतलब आई वाज स्पीकिंग टू गौरव द अदर डे, इसी बारे में हम बात कर रहे थे कि इनके साथ मतलब द काइंड ऑफ एक्टर ही इज, हमारा काम इतना आसान हो गया था कि ऐसा लगा वर्कशॉप चल रही है रिहर्सल में, एक्टिंग कोचिंग चल रही है। और नॉर्मली ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं कि अब तू टेक्निकली ये कर सकता है, इस ग्राफ को यहाँ ले जाएगा, उन्होंने एक शब्द बोला, इस शब्द को ना ठीक है तूने डिलीवर कर दिया बट इसका एंड हमें कहाँ करना है, इतनी सी बात बोली है, इट हैड अ थॉट स्ट्राइकिंग इन माय हेड कि हाँ इस चीज़ को हम यहाँ ले जा रहे हैं, ये यहाँ भी तो जा सकता है। बहुत एफर्टलेसली हुआ, बहुत मज़ा आया था सर के साथ तो ऑनेस्टली, इवन शूट करते हुए बार बार रीटेक कर करके ना, और वो इंटेंस सीन था, एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो गया था मैं भी मेंटली, आई वाज टायर्ड आल्सो, पूरा दिन चलता आ रहा था और हो जाता मतलब 4-4.5 घंटे के बाद ना मैं ऐसा हो गया कि यार थोड़ी देर बैठने को मिले, इतना रिलैक्स्ड शूट गया था उसके बाद द फॉलो अप जो हमारा वो वाला सीन शूट होना था, बहुत मजा आया काम करके सही में। मैं तो हैविंग लुक्ड एट दीज टू एपिसोड्स, देर आर टू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू से अबाउट द सीरीज एज वेल एज माई बोथ माई सन्स, यू नो। सो एक तो ये जो केमिस्ट्री ऑफ द फोर ऑफ यू विच इज़ गौरव, शालिनी, निखिल एंड चैतन्य, आई मीन जस्ट द फर्स्ट टू एपिसोड्स, I mean, it is remarkable how you guys have kind of carried it through, and I really look forward to seeing the further episodes, you know, that I have not been a part of and so on. It's amazing. And secondly, kudos to both my sons here, one on the screen, Chaitanya, you are mind blowing in the second episode. You are mind blowing. जिसको एक वो star value बोलते हैं ना, तुम्हारे चेहरे से नजर नहीं हटती है। जैसे अमिताभ बच्चन जी जब आते हैं स्क्रीन पे, चाहे जो मर्जी कीड़े मकोड़े खड़े हों आसपास, नज़र सिर्फ वहीं जाती है, उसी को स्टार वैल्यू बोलते हैं। यू वर वेरी 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 गुड। एंड सेकंड ऑफ कोर्स, नॉट एज अ डैड आई वुड से, इट इज़ टू माय अदर सन नलिन, हु आई थिंक हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब इन टर्म्स ऑफ गिविंग म्यूजिक टू योर सीरीज, एंड यू नो अपलिफ्टिंग ईच सीन दैट डिजर्व टू बी अपलिफ्टेड एंड सो ऑन। ग्रेट एक्सपीरियंस का क्या हो गया, सब टेक्निकल इशू। बाय द वे आई स्पोक टू निखिल, आई एम मीटिंग योर सन आल्सो टुमारो इन बॉम्बे। Yeah, he told me that you wrote to him and that you guys are meeting. I know. He's, of course, he will share it with you more than I would. But he's getting through some very serious background score opportunities in Bombay and so on. The whole treatment, na, he got the treatment so right. Wo feel, wo mood,
लग रहा था, वो पूरा पूरा उसमें आ रहा था. म्यूजिक इज अ बिग फैक्टर, मतलब वो मूड सेटिंग फैक्टर होता है. वो इट्स अ बिग फैक्टर. आई मीन आप उसी सीन को विदाउट म्यूजिक देखिए और विद म्यूजिक देखिए, जमीन आसमान द गुड. हां, जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन ये यही है कि म्यूजिक रजिस्टर नहीं होता कभी भी अपफ्रंट, बिकॉज़ व्हाट रजिस्टर्स टू द माइंड इज the visual and not the sound, but sound is the one that does the job of registering the visual in somebody's head. मतलब I would say sound से ही आपको ऐसा लगता है कि आप उस चीज को सामने देख रहे होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. जब आप dialogue सुनते हो, dialogue के साथ आप environment सुनते हो कि पीछे चिड़िया चहचहा रही है, तो सुबह का समय है और फिर आपको लगता है कि चलो सुबह हो रही है, और फिर lighting देखते हो आपकी, अच्छा सुबह के हिसाब से lighting हो रही है. Right. फिर आपको डायलॉग की इंटेंसिटी दिखती है कि कितनी तेज आ रही है आवाज, दूर आ रही है, धीरे आ रही है तो दूर होगा कैरेक्टर, तो आपको ऐसा लगता है कि आप वहां पर. साउंड डिजाइन और म्यूजिक तो डेफिनेटली सर है ही. देयर इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड प्रवीण मोरचाले, जिसकी 3 मूवीज को बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले. ही इज अ सिनेमा मेकर. तो मैं उसके पीछे बहुत पड़ा था, बट ही सेड रवि आई एम सो सॉरी बट एंड आई हैव सीन ऑल ऑफ हिज मूवीज, ही डज नॉट यूज बैकग्राउंड स्कोर एट ऑल. But his sound, but his movies have got best sound design national awards and stuff like that. He only incorporates real life sound design into his movies. No scope for background score. So if you ever wish to see a movie without a score but very effectively delivered, you have to see Praveen Morchale's work. You know. Very interesting. Yeah. Sir, you were talking about wo character wali chemistry ki kaise, you know. हम चारों के बीच में बैठी, आई वुड से कि वो चीज़ तो है ही डेफिनेटली कि चैतन्य के साथ मेरा कोई सीन नहीं था डायरेक्टली, आई वुड से, बट कुणाल के साथ मेरे इतने सारे सीन्स थे. आई थिंक उसके साथ मेरी केमिस्ट्री बैठना बहुत ज़रूरी था. लाइक आई वुड से कि जय और मेरी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, हम लोग एक तरह से रूममेट भी रहे काफ़ी टाइम तक. तो हमारी केमिस्ट्री हमारी यूट्यूब वीडियोज़ में दिखती है, बट कुणाल वॉज लाइक अ न्यू पर्सन टू मी. तो अब इसके साथ मुझे फ्रेंडशिप बिठाना वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट. तो जब से इसका रोल फाइनल हुआ, मैंने कहा भाई अब तू यही रहेगा मेरे साथ, तू कहीं नहीं जाएगा, अब तू मेरे फ्लैट पे रहेगा, तू मेरे साथ ही मेरे बेड पे सोएगा रात को. लेकिन एक तरह से विदिन द सीरीज तो बोथ ऑफ यू आर इन अ वे टू द ऑडियंस कंटेंपरेरीज, इजंट इट? सो हाँ, वो चीज लाइक वो कंट्रास्ट तो दिखता ही है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, बट स्टिल वी आर सो जॉइंट टुगेदर, वो चीज तो दिखनी चाहिए थी. So, and Shalini, my compliments to you as well. I mean, very, 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 very smoothly delivered. You know, when you come on the screen, it's almost like very effortless. It's like well oiled, greased. Thank you. Great actors, all of you are great actors. Very great fun it was. हाँ सेम चीज. हाँ, शालिनी के साथ भी सेम चीज़ हुई. लाइक आई वुड से कि जिस पॉइंट पे हमने शूट करना शुरू किया था वेब सीरीज़, आई वाज नॉट इन अ गुड मेंटल स्टेट, और उसके साथ ही आई वुड से कि बहुत सारा काम आया एकदम से वेब सीरीज़ का. एंड एट दैट पॉइंट फिर कई सारे सीन्स मेरे शालिनी के साथ भी थे, और उस पर तो भाई मेरे को केमिस्ट्री दिखानी है. तो आई वुड से कि इफ़ शी वॉज नॉट वेरी एक्सट्रोवर्टेड टू टॉक टू मी ऑल द टाइम एंड पोक मी कि गौरव कि अब ये करते हैं वो करते हैं, आई वुड से कि हम वो केमिस्ट्री नहीं पोर्ट्रे कर पाते स्क्रीन पे. तो ऑल दी क्रेडिट गोज टू हर कि उसने मुझे इतना परेशान किया कि वी बिकेम गुड फ्रेंड्स और हम वो केमिस्ट्री पोर्ट्रे कर पाए स्क्रीन पे. थैंक्स. इट वाज अ लिटिल ऑब्वियस बिकॉज़ आई रिमेंबर द लास्ट सीन, दैट सीन इन द कॉलेज वाज डन ऑलमोस्ट ऑन द लास्ट डे और आई थिंक द पेनल्टीमेट डे ऑफ योर शूट शेड्यूल. That's the time I noticed both of you and I thought, अरे man, ये तो real life chemistry हो गया अभी. हाँ, कैसे कैसे? No, but I mean, it is very important for all of us as actors to, you know, feel at home with each other and all that. So important. Definitely, definitely. वो comfortable वाला factor तो definitely आता है, like if you are working with any co-actor for sure. लेकिन कुणाल का जो character है ना, मेरे कुणाल के साथ इतने ज़्यादा scenes नहीं थे. इसके कंपैरिजन में अगर मैं बोलूँ तो, लेकिन इनका कैरेक्टर इतना अच्छा था जब मैं इनको देखती थी काम करते हुए कि ना मेरा उस कैरेक्टर की वजह से इनसे बात करने का मन करता था. कि यार बात करते हैं, ये इंसान बड़ा दिलचस्प लग रहा है. तो बात करती थी मैं, और फिर मेरी और कुणाल भाई की भी फ्रेंडशिप होने लगी. और मतलब ये तो काफ़ी बिजी था शूट पे, तो हम जब
कैमरे के सामने आते थे ना तो हम तभी ज्यादातर बात कर पाते थे, या टेक कट हो गया तो उस टाइम में बात कर लिया, इतने ज्यादा हम टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे सेट पर. लेकिन कुणाल भाई सारा जानते हैं, मतलब मेरे अंदर की भड़ास, मुझे किस पे कब गुस्सा आ रहा है, क्या हो रहा है. ये बहुत बोल रहा है, इसको बता दो कि लाल लाल मेरे घर में बहुत दिमाग खराब हो रहा है ये वो. तो उनको सब पता था, लाइक ही वाज द वन जिससे मैं हर चीज शेयर कर दी थी, मेरा आज मेंटल स्टेट कैसा है क्या है, तो वो ज्यादा समझते रहे. बट अनफॉर्चुनेटली हमें कैंप पे ज्यादा साथ में मिला नहीं सीन, वरना हमारी केमिस्ट्री बहुत बहुत बढ़िया दिखती. But capitalism is thing that works, huh? I know. ये ऑल्दो इट इज नॉट द राइट एग्जाम्पल, बट मुन्ना भाई में जैसे वो दोनों मुन्ना भाई एंड सर्किट वॉज प्लेड बाई आई फॉरगेट द नेम ऑफ द गाय. Although it's a wrong example, but you know, Gaurav and Nikhil. Nikhil is his real name, na? Kunal's. Yeah. I mean, you guys, usko dekhkar ke bilkul waisa sa feel aata hai. Ki, matlab, he's like embedded into into the lead character, and at the same time has an identity of his own. You know? Very, very FEBable character. टॉकिंग अबाउट ये जो कुणाल का कैरेक्टर था, आई वुड से ये जय से काफी इंस्पायर्ड है, मैं बोलूँगा कि हाँ. लाइक जब आई वुड से पिछले साल फरवरी में हम लोग बागबान अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे, और उस पॉइंट तक मेरे को एक शब्द नहीं पता था, और उस शब्द से जय ने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया, दैट वॉज बावा. बावा इज लाइक सच अ ब्यूटिफुल वर्ड फॉर भाई, मतलब भाई से बढ़ के और बेबी से कम इस बावा. तो वो चीज़ मेरे को बड़ी सही लगती थी, कि अगर यू नो कोई एक बहुत ही सेल्फलेस सा दोस्त है आपका, वो आपको क्या बोलेगा, वो भाई नहीं बोलेगा, वो यार नहीं बोलेगा, वो बावा बोलेगा. तो वो चीज़ मैंने इससे काफ़ी इंस्पायर्ड करके इसके कैरेक्टर को दिया, कि कुणाल जो है वो बावा बोलेगा, कि और बावा सुट्टा पीने चले गया. तो दैट credit goes to him, ki bhai inspiration kahan se li Kunal ko liye. That is but maine I remember I had asked Nalin once, I said where does the word baba come from, so he had told me that no, it comes from one of his earlier you know the other stuff that you do, Gaurav. Usme bhi kahin, you know, I think you've been able to establish baba as a brand name for yourself, is it? Ha, sakti baba is the first time that you've used in this series. सीरीज में तो मैंने यूज़ किया ही फॉर दिस कैरेक्टर, बट इसके अलावा भी आई वुड से सख्त लौंडा वाली वीडियो में आई हैव एस्टैब्लिश्ड इट कि सख्ती बावा. थोड़ा सा पहले से तो मुझे लगा शायद आप लोगों का तकिया का नाम है ये, बट एज यू राइटली मेंशन आई थिंक द वर्ड इटसेल्फ हैज अ ब्रांड वैल्यू, यू नो. हां, वो तो है. दैट वाज अ लॉन्ग कन्वर्सेशन आई वुड से. अशोक सर और रवि सर को ज्वाइन करने से पहले से वी हैव बीन टॉकिंग फॉर लाइक कितना टाइम, डेढ़ घंटा एटलीस्ट. हाँ, तो इट हैज़ बीन अ रियली लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, काफ़ी मज़ा आया. थैंक्स अ लॉट रवि सर, थैंक यू कुणाल भाई. इसको मैं कुणाल ही बोलता हूँ, मेरे लिए निखिल निकलता ही नहीं मेरे मुँह से यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. कुणाल भाई, चैतन्य, अशोक जी, जय, शालिनी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुगेदर. हाँ, उसके मुँह पर बाबा सेट हो गया, मेरे मुँह पर कुणाल सेट हो गया. So all the best, Baba. Okay, Bawas, to all the Bawas here on the podcast. Thanks a lot for taking out the time, yaar. I would say ki audience bahut interested hogi to know ki aap log kaun hai, but your story has been to you know this point, aur kaisa laga aapko idhar Gauravare TV pe kaam karke and all. It was really hard to pull off this project, and I would like to say thank you to all of you. कि यू नो आई वुड से कि एक टीम एफर्ट से ज़्यादा एक पर्सनल एफर्ट लगता है जो आप अपनी साइड से देते हो टू मेक एनी प्रोजेक्ट हैपन, एंड आप लोगों ने वो करा है. सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट, एंड दिस इज वेयर वी एंड द पॉडकास्ट. आई वुड से यस, आई थिंक थैंक्स टू यू मैन. प्लस यार, मतलब दोबारा से एट द एंड आई वुड लाइक टू से, मतलब ही वाज नॉट अ गाय जो ये सब चीजें करता है, ही वाज नॉट अ गाय जो वेब सीरीज डायरेक्ट करेगा कभी हमने सोचा था. हां, सो यस, पुशेस लिमिट्स बहुत ज्यादा अच्छे से डू बीन एबल टू डू दैट. यस, और कमेंट में चीज दिख भी रही है, सो हैट्स ऑफ टू दिस गाय.
हाँ भाई डेफिनेटली भाई मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था. लाइक द ओनली रीजन व्हाई आई वर्क्ड ऑन दिस वाज दैट मैं कॉमेडी कर करके बोर हो गया था काफी टाइम तक. तो आई वाज लाइक कि चलो कुछ प्लस बीइंग अ व्यूअर आई वुड से. यार आई हैव सीन ऑल ऑफ यू गाइस. मैंने सेकंड एपिसोड तक देखा है यार. मतलब जो हैट्स ऑफ एक्टिंग करी है तुम लोगों ने और बाकी और जो भी लोग इन्वॉल्व थे देख के लग ही रहा. मतलब यहां पे बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स भी हैं बट मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूं नॉट लाइक अ प्रोफेशनल एक्टर. बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लॉक कर रहा है. सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू गाइस. स्पेशली जो चेतन्या का जो रोल है, विक्की जो डैड है, स्पेशली वो जो इसके डैड है ना, कमाल कर दिया सर आप लोगों ने. थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद अस. सो दैट्स वेयर वी एंडेड. Thanks a lot for watching everyone. Comment down below who did you like the most out of all these Bawas. And I'll see you guys in the next episode of What's the Point? Bawas. And Brown Monday Podcast. And Brown Monday Podcast. Thanks for watching once again. Comment down below because we reply to comments all the time. Yes, we do. And sometimes, not if we don't want to. Or so, if you're too rude. All right. So that's it for today. Bye-bye.